देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग कॉस्ट बुक कीपिंग ही कर रहे थे जिसमें इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड दोनों कंसेप्ट ही हम लोगों ने देखा। अब कुछ क्वेश्चंस है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 4 से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद इलस्ट्रेशन 3 तक ही कंप्लीट किया था ट्राई टेबल क्लास। हाँ अभी हम लोग इलस्ट्रेशन 4 से स्टार्ट करेंगे ठीक है। तो अभी थोड़ा सा स्पीड में जरूर चलेंगे क्योंकि देखो इतना सारा क्वेश्चन करवाएंगे तो टाइम लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस तो हो गया है। तो तुम लोग भी कोशिश करो जल्दी करने का क्योंकि इसमें एकदम लाइन बाय लाइन करके हम लोग अगर एंट्री फिर से करेंगे तो काफी मुश्किल होगा ठीक है। क्या बोला है देखो यहाँ पर, इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ अकाउंटेंट In the absence of the chief accountant, you have asked to prepare a month's cost account for a company. चीफ अकाउंटेंट नहीं है उनके भी आप में हमें कोई एक कंपनी है ठीक है उसका कॉस्ट अकाउंट रेडी करके देना है वन मंथ का विच ऑपरेट्स ए बैच कॉस्टिंग सिस्टम। बैच कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं बैच पे, मतलब पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं सभी के लिए ठीक है, इन जनरल फॉर्म में सभी के लिए जो है ये प्रोडक्शन करते हैं। जो बैच कॉस्टिंग होता है वहां पर लॉट्स में ठीक है बहुत सारे क्वांटिटी का एक ही तरह का चीज प्रोडक्शन होता है। जैसे तुम लोग मॉल्स वगैरह में देखोगे ना एक ही तरह का ड्रेस वगैरह जो है ठीक है वो एक्सेस से लेके एस एल ठीक है एम इस तरह का अलग अलग साइज होता है ना एक ही तरह का, तो वो किसी पर्टिकुलर कस्टमर को ध्यान में रख के नहीं बनाते ठीक है। इन जनरल बना देते मेजरमेंट के हिसाब से जो अपने मतलब क्या होता है एम साइज किसी को आता है किसी को एल, वही होता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में जो मतलब बैच के हिसाब से देखते हैं कि टोटल कितना प्रोडक्शन करे उसके हिसाब से पर यूनिट का कॉस्ट निकाला जाता है। ये कस्टमर के डिमांड में नहीं होता है, इन जनरल बनाया जाता है, कस्टमर अपने हिसाब से चूज कर लेता है जो भी चीज बन रहा है। फुल्ली इंटीग्रेटेड विथ फाइनेंशियल अकाउंट, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, क्या कॉस्ट और फाइनेंस बुक एक साथ बनेगा कि अलग अलग? एक साथ एक साथ बनेगा ठीक है। अगर एक साथ बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ बनने से डिफरेंस क्या होगा, हमारा क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को रियल नॉमिनल पर्सनल तीनों अकाउंट यूज करने का अलाउड रहेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा नॉमिनल अकाउंट किनका लेना पड़ेगा क्योंकि नॉमिनल दोनों फॉलो करते हैं कॉस्ट वाले भी और अकाउंट्स वाले भी है ना, अकाउंट्स वाले मतलब फाइनेंस बुक वाले भी। तो रियल पर्सनल अकाउंट क्योंकि हमें मिल रहा है वो हम लोग ले लेंगे जो कि फाइनेंस वाले फॉलो कर रहे हैं, तो फिर कॉस्ट वाले से हमेशा हमें नॉमिनल अकाउंट वाला एंट्री लेना पड़ेगा ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू ठीक है। क्या दे रखा है देखो, बैलेंसेस और बैलेंसेस टू द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में बैलेंस दिख रहा है, स्टोर में इतने का मेटेरियल है, स्टोर लेजर अकाउंट ये दे रखा है 25,000 ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस WIP 20,000, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट इसका बैलेंस है 35,000, ये सब ओपनिंग बैलेंस है। तो मुझे बोलो ये तीनों बैलेंस, ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा है, एक बार हम दिखा देते हैं तुम लोगों को क्वेश्चन, ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा है, मतलब क्वेश्चन तो दिख रहा है मतलब ये टोटल दिखाते, देखो ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये टेबल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो तुम लोग मुझे बताओ ये डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट, ये सब डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट, एटलीस्ट ये तीन जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, बोलो। डेबिट है, क्यों डेबिट है बताओ, डेबिट सही बोलो, क्यों डेबिट हो रहा है वो भी एक बार एक्सप्लेन करो। ओपनिंग बैलेंस बोलो ना, ओपनिंग तो क्रेडिटर है, ओपनिंग तो क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग बोले डेबिट हो गया तुम बोलो क्यों डेबिट। अरे पढ़ के तो समझ सकते हैं ना, स्टोर मतलब मेटेरियल, मेटेरियल का बैलेंस क्या होगा, मेटेरियल क्या होता है, स्टॉक होता है ना, स्टॉक मतलब तो करंट एसेट, तो फिर ये डेबिट होगा। WIP मतलब क्या, कभी बैलेंस शीट में नहीं लिखे हो क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग WIP नहीं लिखे हो कभी बैलेंस शीट में, तो वो सब तो एसेट ही होता है, तब कंसेप्ट के साथ करो। फिनिश गुड्स
डेबिट कभी कभी फाइनल अकाउंट्स करते हो उसमें देखना, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया, मेटेरियल भी दे दिया, WIP भी दे दिया, फिनिश गुड्स भी दे दिया, यानी वो कंपनी मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका ये सब क्लोजिंग ओपनिंग कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ओपनिंग दिया है तो ये सब क्या हो जाएगा, एसेट है इसीलिए डेबिट होगा। प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ में हम लोगों ने प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सेसिव पे कर रखा था। जैसे मान लो हम लोग क्या कर सकते, किसी का सैलरी मान लो 4 months का एक्सेस दे दिया, ठीक है, उनको मान लो हमें देना था 12 months का, हम लोगों ने उनको दे दिया 15 months का, तब हम लोग बोलते ना प्रीपेड कर रखा है। अब ये प्रीपेड है तो ये क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट बताओ? प्रीपेड क्या डेबिट डेबिट होगा ना। प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ में हम लोगों ने प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सेसिव इनकर्ड कर रखा था, उसको इस बार जो है हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारा एसेट है ना, हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे कर रखा है, तो डेबिट होगा। तो ये सब डेबिट बैलेंस है, तो ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, ओपनिंग मतलब ही डेबिट या फिर ऐसे ही डेबिट मत सोचो, ठीक है। तो पॉइंट के हिसाब से ही हमें देखना है। फिर बोला है मेटेरियल परचेज हुआ, इसका एंट्री हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, इसके बाद तो हमें ट्रांजेक्शन ही बोला है, ट्रांजेक्शन देख लेंगे पहले, ये जो है अकाउंट बना लेते, क्या क्या अकाउंट बनाने बोला है, ये कुछ ट्रांजैक्शन हम रीड कर देंगे जब हम लोग इसका एंट्री करेंगे। हमें प्रिपेयर क्या करने बोला है, देखो प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द मंथ, स्टोर लेजर कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, ये सब प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग ये अकाउंट बना लेते हैं पहले, स्टोर लेजर कंट्रोल, लिखते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल, हम ना ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, अब और हम डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल। अच्छा, इसके बाद स्टोर लेजर कंट्रोल के बाद है WIP कंट्रोल, WIP कंट्रोल, इसके लिए ये पूरा जगह ही रख देते हैं WIP कंट्रोल, आई थिंक इतना अगर लग जाए तो। नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं क्या प्रिपेयर करना है, फिनिश गुड्स कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, जैसे जैसे बोला है वैसे ही लिख लेते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। जब खुद से बनाना होता है ना तब जाके सीक्वेंस पे करना, मतलब नहीं करने से क्या हो सकता है कि हमारा कुछ छूट गया ऐसा हो सकता है। अब यहाँ जितना बोला उतना ही बनाएंगे कॉस्टिंग पेल, और इसके बाद अगर हमें कुछ प्रिपेयर करना भी हो तो वो हम लोग रफली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगे कि कुछ एक हमें अकाउंट प्रिपेयर कर लेना चाहिए तो वो तो वर्किंग के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्रिपेयर करने बोला है उतना सारा अकाउंट तो मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बैलेंस वगैरह लिख लेते हैं पहले, बैलेंस BD एसेट होगा, ठीक है। ये स्टोर में पड़ा हुआ मेटेरियल का बैलेंस, WIP फिनिश गुड्स ओपनिंग WIP नहीं लिखते हो, वही वाला है टू बैलेंस BD, ठीक है। WIP में कितना है 20,000। अच्छा, इसके बाद फिनिश गुड्स में है 35,000, फिनिश गुड्स में है 35,000। अच्छा, फिनिश गुड्स के बाद है प्रीपेड ओवरहेड, तो ये भी एसेट है, तो ये भी ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस BD ही आ जाएगा 3,000। और उसके बाद यहाँ तो कुछ नहीं है, चार जो ओपनिंग बैलेंस मिल गया वो लिख दिया मैंने, कॉस्टिंग पीएल का तो कुछ ओपनिंग बैलेंस होता नहीं है, ठीक है, ये तो पीएल अकाउंट है। अच्छा, अब बोला है मेटेरियल परचेस, हम लोग बना रहे हैं इंटीग्रेटेड, सोचो क्या लिखना पड़ेगा, मेटेरियल परचेस करने से क्या एंट्री हो जाएगा फिर? SLC अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटेड अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्रेडिटर या बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। मेटेरियल खरीदे हैं तो सीधा बात है यहाँ पर मेटेरियल में बैलेंस हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये फिनिश गुड्स कहाँ चला गया,
ये देखो मेट्रियल मतलब एसएलसी अकाउंट डेबिट टू सीएलसी होता है, लेकिन ये हम लोग का हो रहा है इंटीग्रेटेड, तो हम लोग नॉमिनल रियल और पर्सनल अकाउंट का यूज कर लेंगे, तो हम लोग ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। हमें डायरेक्टली कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम लोग क्रेडिटर और बैंक दोनों का ही अप्रोच रखेंगे यहाँ पर। 75,000 का और भी मेटेरियल खरीद लिया। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है मेटेरियल इशू किया है हम लोगों ने प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में जो इशू किया है वो होता है हम लोग का डायरेक्ट मेटेरियल, और जो फैक्ट्री मेंटेनेंस में दिया है वो होता है इनडायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मेटेरियल कहाँ ट्रांसफर होता है? WIP में, क्योंकि WIP मतलब क्या? वर्क इन प्रोग्रेस, जितना सा सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो सेमी फिनिश्ड गुड्स में तो डायरेक्ट मेटेरियल ही जाएगा, और फैक्ट्री मेंटेनेंस मतलब जो इनडायरेक्ट मेटेरियल जो फैक्ट्री में जाता है, जैसे कि ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह ये सब जब जाता है तो वो फैक्ट्री मेंटेनेंस होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल कहां पर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? मटेरियल कम हो जाएगा दोनों केस में, टू क्या हो जाएगा? मटेरियल कंट्रोल लेजर, है ना, WIP डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट टू मटेरियल लेजर कंट्रोल, ठीक है, ये वाला लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग मेटेरियल में लिख लेते हैं। देखो मेटेरियल में मेरा क्या हो जाएगा? मेटेरियल मेरा क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है, ठीक है, एक बार म्यूट कर लो, बाय WIP, ठीक है। WIP में कितना चला जाएगा? WIP मतलब डायरेक्ट वाला, ये रहा 30,000। अब देखो ये प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ये डायरेक्ट वाला। इनडायरेक्ट वाला कहां पर जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में जाता है, ठीक है, 4,000। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग भी कर लेंगे, टू मेटेरियल लेजर, नहीं यहाँ पर SLC लिखा है मैंने, स्टोर लेजर कंट्रोल, ये कितना हो जाएगा? 30,000, ये डायरेक्ट वाला, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए डायरेक्ट बोल के लिख सकते हो, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा कि डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा। कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया, पहले भी बताया था, डायरेक्ट मेटेरियल जो है वो तो हमारा प्राइम कॉस्ट में जाता है ना, वहां से तो सेम फिनिश गुड्स बनता है। अब ये जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हम लोगों का मेटेरियल का फैक्ट्री में जाएगा, कुछ नहीं बोला जाता है तो फैक्ट्री में जाता है, और ये वाला हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड यानी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में लिखेंगे, टू SLC स्टोर लेजर कंट्रोल, कितना हो जाएगा? 4,000, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद बोला है मेटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस, एक बैच से दूसरे बैच में मेटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, बैच प्रोडक्शन कहां हो रहा है ये बताओ, बैच का काम कहां हो रहा है, बैच का काम कहाँ हो रहा है मुझे बता सकते हो? बैच मतलब अभी मैंने बोला ना, जहां पर लॉट्स में प्रोडक्शन होता है, इस कॉस्टिंग को बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। तो एक बैच से दूसरे बैच में ट्रांसफर हो रहा है मेटेरियल, तो इस ये कहाँ पर हो सकता है? देखो मेटेरियल कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो सकता है, एक तो हमारा स्टोर से कहाँ जा सकता है बताओ, स्टोर से मेटेरियल कहाँ जा सकता है? WIP में या फैक्ट्री ओवरहेड? फैक्ट्री में, मतलब WIP तो हाँ ठीक बोले हो कि स्टोर से कहाँ जा सकता है, एक डायरेक्ट मेटेरियल एक इनडायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार लिखते हैं कि स्टोर से मेटेरियल हम लोग फैक्ट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर फैक्ट्री में ही तो बैचेस का काम हो रहा होगा, तो मान लो यहाँ बैच वन प्रोडक्शन हो रहा है, बैच वन, यहाँ पर बैच टू, तो फैक्ट्री में बैच वन से बैच टू में मेटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, सपोज बैच वन से बैच टू में या बैच टू से बैच वन, कुछ भी मान लो। लेकिन हमें क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? अभी हम लोगों ने जितना भी ट्रांजेक्शन रेडी किया था वो क्या किया था, स्टोर, हमारा स्टोर में मेटेरियल कम बेसी होना चाहिए, तब जाके हम लोग एंट्री करते हैं। लेकिन एक बैच से दूसरे बैच में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हमें कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं होता है। तो इसको लिख दो नो एंट्री, इसका नोट दे सकते हो कि कभी भी बैच टू बैच ट्रांसफर होने से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका रीजन ये है कि मेरा स्टोर में मेटेरियल कम या ज्यादा होगा तभी एंट्री करना है, ठीक है। बाकी किसी रीजन से अगर हो रहा है, एक बैच से दूसरे बैच में जा रहा है, तो हमें एंट्री नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे स्टोर इंपैक्ट नहीं हो रहा है, स्टोर से मेटेरियल चला गया है, तो इसमें नो एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी बैच टू बैच ट्रांसफर में एंट्री नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टोर से फैक्ट्री में जरूर एंट्री होगा, और अगर बाय चांस फैक्ट्री से स्टोर में रिटर्न आ रहा है तो भी एंट्री होगा, ठीक है। लेकिन बैच टू बैच फैक्ट्री के अंदर मेटेरियल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने पे किसी तरह का एंट्री हमारा नहीं होगा, यानी ये वाला जो है मेटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस, इसका कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अब टोटल वेजेस पेड, देखो वैसे तो क्वेश्चन में हमें वेजेस कंट्रोल नहीं बोला है, लेकिन हम एक बना के दिखा देते ताकि तुम लोग का आसान हो जाए। तो ये एक वर्किंग नोट हो गया, इस पे लेकिन तुम लोगों को लिख लेना पड़ेगा, तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेना, मेटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैच विल नॉट इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट्स, ऐसे लिख लो, मेटेरियल ट्रांसफर बिटवीन, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, बिटवीन बैच नॉट इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट, मतलब स्टोर कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल अकाउंट, सो नो एंट्री, ठीक है।
सो नो एंट्री, कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पहला वर्किंग नोट, ये मैंने ड्रॉ तुम लोग को समझाने के लिए किया है, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट हमें क्या बोला है, बोल रहा है कि वेजेस का पेमेंट। अब हमें वेजेस अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन हम ना तुम लोग को बना के दिखाते। देखो वेजेस कंट्रोल यहाँ पर लिख लेते वर्किंग नोट के तौर पे। पहले बोलो मुझे वेजेस पेमेंट का एंट्री क्या करूंगी, क्योंकि वो वहां पर मिसिंग है ना, फिर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब वेजेस पेड डायरेक्ट वर्कर का कहाँ पर जाएगा, इनडायरेक्ट का कहाँ जाएगा, बताओ। पेमेंट का एंट्री क्या होगा, पेमेंट का एंट्री पहले बोलो क्या होगा। डायरेक्ट वाला भी लिखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट वाला भी लिखना पड़ेगा, वो भी अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट, अच्छा पेमेंट कितना कितना हुआ है, 25 और 5। ये रफ में कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई वहां पर हमें दिखाने के लिए नहीं बोला है मेन सॉल्यूशन में, इस वजह से। डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस, बैच मतलब जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो डायरेक्ट वेजेस चार्ज करें बैच में 20,000। डायरेक्ट वेजेस चार्ज होने से कहां पर ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट कोई भी खर्चा कहां से ट्रांसफर होगा, डब्ल्यू आई पी। तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू आई पी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। हाँ तो बाई WIP हो जाएगा, ये कौन सा वाला है, डायरेक्ट वाला, ठीक है। अब देखो कितना चार्ज करने बोला है, 20,000, ठीक है। वैसे हम लोगों ने डायरेक्ट वेजेस पे किया है 25,000, लेकिन चार्ज किया है 20,000, तो 5,000 कहाँ पर जाएगा, ये देखो, रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर, यानी ये नॉन प्रोडक्टिव वेजेस है लेकिन हम लोग पे कर रहे हैं लेबर को, ठीक है। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना आइडल टाइम जो होता है, तो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, मतलब लेबर को पेमेंट कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन बंद है, फिर भी लेबर को पेमेंट करना पड़ रहा है, ऐसा बहुत सारा रीजन होता है, ठीक है। जैसे मान लो नॉर्मल वर्कर जो है टिफिन वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए उसका पेमेंट थोड़ी ना काट लेंगे, या फिर एबनॉर्मल रीजन भी अगर होता है, वो अगर फैक्ट्री वाले का फॉल्ट है, जैसे कि मान लो पावर कट हो गया, तो उसके लिए थोड़ी ना हम लोग लेबर का पेमेंट काट लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो नॉन प्रोडक्टिव जो डायरेक्ट वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं 5,000, जो कि बचा हुआ अमाउंट है डायरेक्ट का, ठीक है। जैसे देखो हम ये समझा रहे, ये पॉइंट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये अकाउंट बनाया। यहाँ पर हम लोगों ने 25,000 पेमेंट किया, लेकिन उसमें से डायरेक्ट वेजेस में हम लोगों ने 20,000 ही चार्ज किया, ठीक है, बाकी चार्ज नहीं कर पाए, तो बाकी 5,000 कहाँ जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा कोई मेटेरियल नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ये कोई स्टॉक थोड़ी ना, ये तो पेमेंट है, तो बाकी 5,000 यहाँ पर बता भी दिया है कि 5,000 हम लोग पे कर रहे हैं लेकिन नॉन प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव होता तो WIP में देते, तो अगर नॉन प्रोडक्टिव है तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, अगर मतलब नॉन प्रोडक्टिव मतलब क्या, डायरेक्ट नहीं है तो इसको कहाँ दिखाएंगे, अगर डायरेक्ट नहीं है तो कहाँ चार्ज कर सकते हैं, बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में, मतलब यहाँ पर नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, देख लेते हैं मैंने वही नाम यूज किया होगा, हाँ प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में यहाँ हम लोग चार्ज कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, ये नॉन प्रोडक्टिव, इसको लिख देते हैं नॉन प्रोडक्टिव। ये अगर हमें नहीं भी बताता ना, ये वाला पॉइंट अगर हमें अलग से नहीं भी बताता, तो भी हमें ये वाला ऐसे ही चार्ज करना पड़ता, तो 5,000 कहाँ देंगे, ठीक है। तो 5,000 इसका मतलब बता भी दिया है क्या है, अच्छा, और अगर नहीं भी बताता तो भी हम लोग बाकी 5,000 को यहाँ पर दिखा देते। तो ये तो लिख लिया, अब इसमें से हमारा वहां क्रॉस पोस्टिंग क्या होगा, एक WIP हो जाएगा, एक प्रोडक्शन ओवरहेड में चला जाएगा, तो टू वेजेस कंट्रोल बोल के यहाँ पर WIP में टू वेजेस कंट्रोल, डायरेक्ट वाला 20,000, ठीक है, और जो प्रोडक्शन ओवरहेड वाला है यहां पर देखते हैं, ये भी हम लोग का कहां पर जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल, चाहिए प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाएगा, टू वेजेस कंट्रोल बोल के, टू वेजेस कंट्रोल बोल के ये हम लोग का आ जाएगा 5,000, ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे, इसका नाम लिख देते हैं नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है, ये नॉन प्रोडक्टिव वेजेस वाला है।
अच्छा अब देखो बोला है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट इनकर्ड 6000, इसका भी हमें अकाउंट बनाने नहीं बोला है, इसका भी हमें एक जो है रफ यहाँ पर बना देते हैं। देखो ये अभी तक लेकिन क्लोज नहीं हुआ है, इधर 30 हो रहा है इधर 25, तो इस पे क्लोज होने में टाइम लगेगा, देखते फिर। वर्किंग नोट नंबर 3 लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट कंट्रोल, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट कंट्रोल। यहाँ पर एंट्री क्या होगा बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट इनकर्ड, इनकर्ड मतलब पेड, एंट्री क्या होगा बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट सेलिंग एंड कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक हो जाएगा, ठीक है, तो टू बैंक हो गया हम लोग का 6000। अच्छा अब इसका हमें कोई क्रॉस पोस्टिंग करने का फिलहाल जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा है अदर प्रोडक्शन ओवर इट इनकर्ड, प्रोडक्शन ओवर इट इनकर्ड क्या है 12000, तो इसका एंट्री क्या होगा, प्रोडक्शन ओवर इट तो हमारा मेन सॉल्यूशन नहीं है, प्रोडक्शन ओवर इट इनकर्ड क्या एंट्री होगा बोलो, टू बैंक होगा, टू बैंक होगा, करेक्ट, ये वाला लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक हो जाएगा हम लोगों का 12000। अच्छा इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा। फिर बोला है सेल्स, ठीक है, सेल्स बोला है 1 लाख, सेल्स कहाँ जाएगा बताओ, सेल कहाँ जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, बोलो क्या लिखेंगे, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, नहीं ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, ये सेल्स बताया, अगर कॉस्ट ऑफ नीचे बता रखा है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड वो 80000 है, सेल्स 1 लाख है, तो प्रॉफिट निकलेगा जरूर, देखना पड़ेगा बाकी चेक करके, ये सेल्स है, सेल्स को तुम लोग ट्रेडिंग में कैसे लिखते हो, बाय सेल्स बोलोगे ना, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, ये तो कॉस्टिंग पीएल ही तो हमारा ट्रेडिंग पीएल है, उसके तरह सोच के बताओ, बाय सेल, बाय सेल्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है बाय सेल्स लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया 1 लाख, इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल रहा है कि 80000, तो ये सबसे पहले मुझे बताओ ये कॉस्ट, ये तो सेल बता दिया, एक बार दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेते, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, क्योंकि पहले ये देखेंगे कि स्टॉक में कितना है, WIP से कितना फिनिश गुड्स में गया, उसके बाद हम लोगों ने कितना सेल किया और कितने में किया, तो ये पहले दे दिया इंफॉर्मेशन, लेकिन पहले ये इंफॉर्मेशन फिलअप करना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो कंप्लीटेड है, मतलब कंप्लीट फिनिश गुड्स ट्रांसफर इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ, तो हम लोग इसको फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में इसका मतलब ट्रांसफर किए 65000, पहले इसका एंट्री होना चाहिए, तो बोलो इसका एंट्री क्या होगा, बोलो WIP से, ये क्या बोला है, सिंपल बोला है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मतलब ये बन चुका है फिनिश गुड्स एंड ट्रांसफर इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ, कहां पर बना है WIP, हां फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट WIP कंट्रोल अकाउंट, WIP फिनिश गुड्स कंट्रोल टू WIP, ठीक है फिनिश गुड्स कंट्रोल टू WIP, यानी फिनिश गुड्स में क्या लिखेंगे, बाय सॉरी WIP में क्या लिखेंगे, बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल, WIP थे बाय फिनिश गुड्स, यहाँ पर लिखेंगे कितना वैल्यू, देखो कितना है 65000, पहले इसका क्रॉस पोस्टिंग कर ले, फिनिश गुड्स कंट्रोल हमें प्रिपेयर करने बोला है, फिनिश गुड्स कंट्रोल में हम लोग क्या लिखेंगे टू WIP कंट्रोल 65000 हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कौन सा हमारा एंट्री बाकी है, यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड बोला है, ठीक है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड बोला है 80000, मतलब ये क्या है, इसको हम लोग कॉस्ट शीट में क्या बोलते हैं, COGS बोलते हैं कि नहीं, बोलो COGS में ही तो हम लोग का क्या लगता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ये कब आता है कॉस्ट शीट में, याद करो हम लोगों का पहले फिनिश गुड्स जो है ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वहां से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देने से आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसमें हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला खर्चा लगाते हैं, ठीक है थीके? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बताया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, यानी बोल रहा है उसका इंपैक्ट मत दिखाओ, ठीक है जो मैंने यहाँ पर रफ में दिखाया बोल रहा है कि उसका अकाउंट दिखाने का जरूरत नहीं, इसीलिए यहाँ पर COGS लिखा है, बाकी क्वेश्चन में तुम लोग देखोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा हुआ रहता है, यानी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होने के बाद का, यहाँ पर क्योंकि हमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिखाने नहीं बोला इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, लेकिन मुझे इतना बताओ ये बैलेंस कहाँ जाना चाहिए, कौन से अकाउंट के लिए प्रेफरेबल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, ये चार में से कोई एक अकाउंट में तो जाएगा, तुम लोग सोच के बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम लोग जितना भी गुड्स हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट देख लिया,
फिनिश गुड्स, हाँ फिनिश गुड्स कंट्रोल में क्या लिखेंगे बोलो, किधर लिखना पड़ेगा? अगर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स बिक रहा है, उसका कॉस्ट दिखा रहे, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसकी वजह से मेरा फिनिश गुड्स अकाउंट कम होगा कि ज्यादा होगा, क्रेडिट होगा कि डेबिट? बाय साइड लिखते हो, बाय लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट मेरा कम हो जाएगा, फिर मेरा फिनिश गुड्स कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, तो क्रेडिट होगा। तो अभी क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो, तभी लिख रहे हैं। अब तुम लोग इससे कंफ्यूज मत हो जाना मैम, इसके पहले तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा था। हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स ही लिखा था, चाहो तो अभी भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को दिखाने नहीं बोला है, बाकी एक पॉइंट दे दिया है, इसीलिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, तो हम उसी को यूज करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 80,000। ठीक है, अगर इसे इसको इसको अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिखते हो तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम इस तरह से दिखा देते हैं, अगर इसको लिखते भी हो ना, हम यहाँ पर एक स्टार दे देते हैं, इसको तुम लोग लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर लिखोगे तो हाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा ना अलग पैटर्न में हो जाएगा। देन ये वाला जो है ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा फिर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक काम किया है, मैंने यहाँ पर स्लैश देके लिख दिया है, हम दिखा देंगे इसको क्या करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अच्छा, और हमारे पास क्या है, एक 40,000 बोल रहा है फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP, मतलब हम लोगों का जो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश गुड्स है, जब हम लोग उसको फिजिकली वैल्यूड किए। फिजिकल वैल्यूएशन क्या होता है पता है? फिजिकल वैल्यूएशन मतलब गोडाउन में जाके ऐसे देख के काउंट करना, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके काउंट करना, जाके आंख से देख के ऑब्जर्व करके काउंट करने को बोला जाता है फिजिकल वैल्यूएशन। फिजिकल वैल्यूएशन में 40,000 WIP दिख रहा है क्लोजिंग में, तो ये WIP में हम लोग क्लोजिंग साइड में लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग साइड में लिखेंगे ना। नॉर्मली ये वाला हम लोग बैलेंस करके निकालते हैं, यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो लिख देते हैं बाई बैलेंस CD। ठीक है, बाई बैलेंस CD बोल के यहाँ पर हो जाएगा फिजिकल, लिख लेते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है। ठीक है, फिजिकल वैल्यू ये है हम लोग का 40,000, ये गिवन था। ठीक है, तो मैंने देखो सारा डेटा लिख लिया। अच्छा, नीचे का एक बाकी रह गया, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस टू वर्क इन प्रोग्रेस। बोल रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्ट वेजेस का 150% है, लेकिन डायरेक्ट वेजेस कौन सा वाला, जो चार्ज किया गया है WIP में। तो हम लोग देखें डायरेक्ट वेजेस का कितना WIP में चार्ज किया गया है, हम लोग वेजेस कंट्रोल अकाउंट में जाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ से देखो 20,000, ठीक है, ये 20,000 का 150% यानी कि 30,000 हमें प्रोडक्शन ओवरहेड में एब्जॉर्ब करवाना है, तो क्या एंट्री होगा बताओ? अगर एब्जॉर्ब करवाना होगा, पे करने से क्या होता है, टू बैंक होता है, क्योंकि ये हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेटेड। ठीक है, अगर नॉन इंटीग्रेटेड होता तो टू CLC हो जाता। अब मुझे बोलो अगर हम लोग एब्जॉर्ब करवा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, कहाँ चार्ज करना है, WIP में चार्ज करना है, तो WIP क्या हो जाएगा बोलो, WIP क्या हो जाएगा, WIP कैसे बनता है? WIP में होता है डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये सब प्राइम कॉस्ट, और क्या होता है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में क्या क्या आ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये मिला के तो WIP होता है ना, बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड्स मिला के। तो यहाँ पर ये फैक्ट्री का मतलब ही तो प्रोडक्शन हो गया ना, तो मुझे ये बोलो कि यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, WIP का खर्चा बढ़ रहा है, ओवरहेड चार्ज हो रहा है WIP के अंदर, प्राइम कॉस्ट के बाद का खर्चा, तो फिर प्रोडक्शन, ये हम लोगों ने खर्चा पे कर रखा है, इसका कितना एब्जॉर्ब करवाना है, ये देखो खर्चा ये टोटल हो रहा है अलग अलग। ठीक है, ये देखो ये ओपनिंग WIP प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल है, ये मेटेरियल का, ये कौन सा वाला है, ये मेटेरियल वाला है ना, ये मेटेरियल वाला है। अभी भी मैंने क्या बोला कि ओवरहेड कंट्रोल WIP जो बनेगा वो कैसे बनता है, मेटेरियल से बनता है, वेजेस से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 12,000 पेमेंट है प्लस ये सब है। अभी बोल रहा है कि कितना हमें चार्ज करना है WIP में 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो क्या लिखेंगे, WIP डेबिट हो जाएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, बाई WIP कंट्रोल 20,000 का 150%। मैंने 20,000 ही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया था कि चार्ज टू WIP में जितना है उतना ही लेना है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू WIP में जितना डायरेक्ट वेजेस चार्ज हुआ है उसका 150% हमें प्रोडक्शन ओवरहेड को क्या करवाना है,
एब्सॉर्ब करवाना है, तो एब्सॉर्ब कहां पर करवाएंगे, फैक्ट्री में। तो ये हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, यहां पर कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, अब इसका हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे डब्ल्यूआईपी में। डब्ल्यूआईपी में क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 30,000। ठीक है, अब हम लोग एक एक अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। देखो कैसे क्लोज होगा, सबसे पहले हम मेटेरियल वाला ही क्लोज करते हैं, क्योंकि मेटेरियल में तो कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। हम लोग के पास टोटल मेटेरियल कितना हुआ, हम लोग पहले 25,000 स्टॉक में था और भी 75,000 खरीद लिया, तो ये हो गया 1,00,000 का मेटेरियल, जिसमें से डब्ल्यूआईपी मतलब प्रोडक्शन के लिए जो मेटेरियल गया वो 30,000 का, और जो प्रोडक्शन मतलब इनडायरेक्ट मेटेरियल का यूज हुआ 34,000। तो फिर यहाँ पर जो बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी बोल के। ठीक है, माइनस करके देख लो कितना होता है, 1,00,000 से अगर हम लोग 34,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 66,000। ठीक है, अच्छा अब WIP का देखो, ओपनिंग क्लोजिंग सब दे दिया है कि हमारे पास कितना WIP था और कितना क्लोजिंग में है। अब ये चेक करके देखते हैं कि दोनों साइड टैली हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या करना है। ठीक है, नॉर्मली टैली हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, उसको हम लोगों को क्या लिखना है बताते हैं। 65,000 प्लस 40,000 इधर हो गया 1,05,000, इधर बैलेंस आ रहा है। ठीक है, इस बैलेंस को क्या बोलेंगे, 1,05,000 माइनस 20 माइनस 30 और 20, तो ये आ रहा है 5,000। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, देखो ये क्या हुआ, हम लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन जब किया, हम लोग को पता चला कि हम लोगों के पास क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद दिख रहा है 40,000 है, फिर भी हम लोगों का ज्यादा स्टॉक आ रहा है, क्योंकि देखो ये हम लोग का नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी बोल के हो जाएगा ना, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा एबनॉर्मल गेन, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मेरा 40,000 ही आना चाहिए, फिर भी मेरा क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है। ठीक है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या आना चाहिए, 40,000, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक मेरा 40,000 आना चाहिए, फिर भी मुझे 5,000 ज्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एबनॉर्मल गेन। जब हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वैल्यूएशन गेन होता है, वैल्यूएशन में गेन हुआ, मतलब अगर हम लोग पेन पेपर में करते तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिजिकली जाके जो वैल्यूएशन किया उसके साथ हमारा ये जो मतलब रिकॉर्डेड वैल्यूएशन है उसमें 5,000 का गैप आ गया। ठीक है, तो इसको मतलब एक्चुअली ये है, क्योंकि एक्चुअली ये क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल गेन। और किसी भी गेन को देखो, मैंने इसलिए आज ये वाला पेज ओपन कर रखा है, किसी भी तरह का अगर गेन होता है, एबनॉर्मल जो है, एबनॉर्मल गेन होता है, तो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये ऑब्वियसली डिफरेंस वाला पार्ट दे रखा है, हम लोग का नॉर्मली कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का दे रखा है, ये कहाँ चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, ये एबनॉर्मल गेन बोल के जाएगा। अगर हम लोग का फिजिकल वेरिफिकेशन से शॉर्टेज होता तो हम लोग लिखते एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि 40,000 मेरा फिजिकल वैल्यूएशन के बाद फिर भी 5,000 का मेरा दिख रहा है, तो ये हो गया मेरा एबनॉर्मल गेन। इतना खर्चा किया था, इतना जो है मैंने फिनिश गुड्स बना लिया है, तो बाकी क्लोजिंग स्टॉक देखो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने इतना खर्चा किया WIP को फिनिश गुड्स बनाने में, जिसमें से इतना ही फिनिश गुड्स बना। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, 30, 60 और ये 41,00,000। ठीक है, 1,00,000 का हम लोगों ने फिनिश गुड्स ट्रांसफर करने का कोशिश किया, लेकिन उसमें से 65,000 ही ट्रांसफर हुआ, यानी कि 35,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। ये दोनों का गैप सोच के देखो, ये मेरा ओपनिंग WIP और इस बार इतने सारे WIP फिनिश गुड्स बन रहे थे, तो इसमें से फिनिश गुड्स बना कितना, यहां से यहां अगर देखे 65,000, लेकिन ये टोटल कितना हुआ पता है, ये टोटल हम लोग का हुआ है 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 में से 65,000 फिनिश गुड्स बना है, तो इसका मतलब 35,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 दिख रहा है, तो इसका मतलब 5,000 मेरा क्या हो गया, एक्स्ट्रा क्लोजिंग स्टॉक है, जिसको हम लोग बोलेंगे गेन। ठीक है, ये मैंने सोचा नहीं था, एक्चुअल और इसमें डिफरेंस हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली प्रैक्टिकली ऐसा बहुत ही कम होता है, फिर भी ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन होगा ये कंसेप्ट तुम लोगों को मिलेगा और एक जगह पे, दैट इज जब तुम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग करोगे। ठीक है, प्रोसेस करते हुए हम लोगों ने 10 यूनिट प्रोडक्शन का सोचा था, बट वहां पर 11 यूनिट आउटपुट आ गया,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि ये नॉर्मली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर भी क्वेश्चन में देता है तो हम लोग उसको एबनॉर्मल गेन लिखते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया, ये एबनॉर्मल गेन है तो हम लोग इसको पीएल में दिखाएंगे। अब हम लोग फिनिश गुड्स कंट्रोल में जाते हैं। देखो फिनिश गुड्स कंट्रोल को किस तरह से क्लोज करेंगे, हम लोग का पहले से फिनिश गुड्स था 35,000, ठीक है, और WIP से फिनिश गुड्स इस बार का है 65,000, यानी टोटल फिनिश गुड्स कितने का बन गया, 1 लाख, ठीक है। वही कंसेप्ट देखो मैंने यहाँ भी तुम लोग को दिखाया, 1 लाख का टोटल बन रहा है, सॉरी यहाँ पर उस तरह से नहीं, बल यहाँ 65 बना है करेंट ईयर में, और प्रीवियसली जो था वो हमें बैलेंस मिला क्वेश्चन से, ठीक है। तो 1 लाख का टोटल फिनिश गुड्स कंट्रोल हुआ है, उसमें से हम लोगों ने बेच दिया है 80,000, तो बाकी क्या है, बाकी बचा हुआ रहेगा, ठीक है, बाकी बचा हुआ रहेगा, तो बचा हुआ कितना हो जाता है 20,000, 1 लाख हो गया। अच्छा ये फिनिश गुड्स कंट्रोल वाला अकाउंट भी क्लोज हो गया, तो कौन कौन सा अकाउंट क्लोज हो गया, स्टोर लेजर कंट्रोल, WIP कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल। अच्छा अब हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल को क्लोज करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में क्या क्या जाएगा, देखो 3,000 यहाँ पर, 4,000 और ये 5,000, और ये हो गया हम लोग का 12,000, और ये By WIP। अच्छा यहाँ पर देखो ये मैंने क्लोज नहीं किया था ना, इसको एक बार देखना पड़ेगा, इसको तो क्लोज करना पड़ेगा, हम लोग को पता है कि वेजेस क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 30,000 का क्या हो गया, 30,000 का हम लोगों ने टोटल पेमेंट किया, जिसमें से डायरेक्ट वेजेस में चार्ज हुआ 20,000, प्रोडक्शन में ओवरहेड फॉर नॉन प्रोडक्टिव वेजेस का हो गया 5,000, और कुछ दिया हुआ था चेक करते हैं मैम। হ্যাঁ বলছি যে যেটা ওয়েজেস আছে এখানে ডাইরেক্ট মানে ডাইরেক্ট ওয়ার্কার আর ইনডাইরেক্ট ওয়ার্কার, মানে আপনি যখন করিয়েছিলেন যখন ম্যাথটা, তখন মানে ওয়েজেস কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক করে টোটাল অ্যামাউন্টটা আগে ফার্স্টে শো করিয়েছিলেন, তারপরে সেখান থেকে WIP কন্ট্রোলে WIP কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ওয়েজেস কন্ট্রোল, মানে এরকম ভাবে করিয়েছিলেন। হ্যাঁ একই ব্যাপার, সেখানে আমি টু ব্যাংক নয়, সেখানে SLC করেছি বলে দুটোকে এক জায়গায় দেখিয়ে দিয়েছি, তুমি আলাদা আলাদা চাইলেও দেখাতে পারো, এটাতে কোনো অসুবিধে নেই। যেরকম মানে ফার্স্টে কি করব যে মানে ওজেস অ্যাকাউন্ট মানে ওজেস কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক কো টোটাল অ্যামাউন্ট মানে 30,000 দেখিয়ে দেব। হ্যাঁ দেখিয়ে দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। যেরকম WIP কন্ট্রোল, হ্যাঁ ট্রান্সফারটা ইন্ডিভিজুয়ালি দেখাতে, ট্রান্সফারটা ইন্ডিভিজুয়ালি, যেরকম তোমরা মেশিনারি কিনলে মেশিনারি কিনতে গিয়ে ইনস্টলেশনের খরচা হয়েছে, তাহলে আমি নরমালি আমি বলি কি মেশিনারি টু ব্যাংক পারচেজ, মেশিনারি টু ব্যাংক ইনস্টলেশন দেখাও, এবার যদি কেউ নাও দেখাও তো সেরকম কোনো ইস্যুস নেই, ঠিক আছে, আলাদাও দেখাতে পারো একসাথেও দেখাতে পারো। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट वर्कर का पेमेंट था ये 5,000, ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर ये 5,000 जो है ये भी तो हम लोग का जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में चार्ज होगा। ये जो इनडायरेक्ट है देखो ये डायरेक्ट का ये पोर्शन WIP में गया, ये चला गया हम लोग का नॉन प्रोडक्टिव, और ये 5,000 कहाँ क्लोज होगा, ये 5,000 कहाँ क्लोज होगा ये बताओ, इसका 20 और 5 और ये 5,000 कहाँ क्लोज होगा, ये इनडायरेक्ट है तो कहाँ क्लोज होगा बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में ही क्लोज होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 30,000, मतलब हम लोग का और एक 5,000 का आएगा। देखो दो अमाउंट ही ना 5,000 है, इससे तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ, एक है ये 25,000 का दो पार्ट और ये 5,000 का ये वाला, ठीक है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। फिर से देख लो एक बार क्या लिखा हुआ, यहाँ पर इनडायरेक्ट पेमेंट बता रखा था, तो ये क्लोज तो होता है ना फैक्ट्री ओवरहेड में जाके, और ये डायरेक्ट वेजेस में नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर दे रखा है 5,000। अच्छा ये मैंने ट्रांसफर नहीं किया, इसको एक बार ट्रांसफर कर देते हैं टू वेजेस कंट्रोल बोल के प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में, ठीक है, यहाँ पर ये नॉन प्रोडक्टिव वाला अगेन इसको लिख देते हैं टू वेजेस कंट्रोल बोल के, टू वेजेस कंट्रोल, ये हो गया इनडायरेक्ट वाला, ठीक है, इनडायरेक्ट वाला ये भी 5,000 है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करके देखते हैं कितना आता है, यहाँ पर इधर ही ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 30,000, 30,000 लिख दिया, अब इसमें चेक करते हैं कितना हो रहा है, 5, 5, 10, 10 और 10, 20, 20 और यहाँ पर हो गया 4 और 2, 6, 6 और 3, 9, 29,000, 1,000 का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो इसको जैसे मैंने सिखाया है टू बैलेंस शीट लिख दो तो भी करेक्ट है, ठीक है, और एक चीज भी कर सकते हैं, यहाँ पर
ये क्या हुआ, ये हम लोगों का हुआ कि हम लोगों ने कितना एब्जॉर्ब करवाया था और कितना हम लोगों का जो है इनकट हुआ है, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग चेक करें कि ये हम लोग का इनकट हुआ है, ठीक है, और हम लोगों ने एब्जॉर्ब मतलब कितना पेमेंट किया, ये एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कितना आया था, 29,000। अब देखो यहाँ पर हम लोगों का एब्जॉर्ब ओवरहेड ग्रेटर देन अगर एक्चुअल ओवरहेड है, एब्जॉर्ब ओवरहेड कितना है, एक्चुअल ओवरहेड है 30,000, एब्जॉर्ब ओवरहेड है 29,000, ठीक है। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड जो है वो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का नहीं, एक सेकेंड, हम लोगों ने ये सारा खर्चा पे किया है ना, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया इनकट किया हुआ, ठीक है, इनकट मतलब ये हम लोग का एब्सॉर्ब्ड है और एक्चुअल 30,000 हुआ है। तो ये जो बैलेंस इधर आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, इसको हम लोग टू बैलेंस सीटी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पीएल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ना, अगर स्मॉल अमाउंट है मे बी क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग पीएल, हम लोग पीएल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हम लोग को ओवर एब्सॉर्प्शन बता रहा है, ठीक है, ओवर एब्सॉर्प्शन बता रहा है। तो हम लोग इसको टू बैलेंस सीटी भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं तुम लोग को टू कॉस्टिंग पीएल मिल जाएगा, तो उसको स्लैश देके हम ये भी लिखवा देते हैं, ये टू कॉस्टिंग पीएल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ है, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर कर देना है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये देखो मैंने बोला था ना, जब तुम लोग इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड करोगे तो वहां पर ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर बैलेंस के रूप में भी दिखा सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने तीन पॉइंट ही लिखवाया था इसीलिए, तो ये देखो राइट ऑफ कर सकते हैं, अगर स्मॉल अमाउंट है क्रेडिट कर सकते हैं पीएल में, अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको बैलेंस बोल के दिखा सकते हैं, और बहुत ज्यादा अमाउंट है तो उसमें जॉब में उसे इनकट कर सकते हैं। तो या तो ये पॉइंट, या तो ये पॉइंट नॉर्मली हम लोग यूज करें, तो कहीं तुम लोग को अगर कॉस्टिंग पीएल भी मिल जाए तो तुम लोग का क्वेरीज हो सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया। अगर हम लोग का एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड है, ठीक है, तो फिर हम लोग का क्या एब्सॉर्ब्ड इतना है, ठीक है, एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड 30,000 है और हम लोग का यहाँ पर 29 आ रहा है, तो 1,000 का जो गैप आ रहा है वो हम लोग का कॉस्टिंग पीएल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉस्टिंग पीएल में करोगे तो इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा। अच्छा अब इसको क्लोज कर लेते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये कहाँ पर क्लोज होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्लोज हो जाता है हम लोग का, कहाँ क्लोज होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के हम लोग का ये क्लोज हो जाएगा। अगर हम लोग फिनिश गुड्स कंट्रोल में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं, इन दैट केस हम लोगों का यहाँ पर टू फिनिश गुड्स कंट्रोल बोल के भी आएगा। अगर हम लोग वैसे क्लोज करते हैं तो हम लोग का, हम यहाँ पर ना व्हाइट कलर से लिखते हैं, देखो ताकि तुम लोग समझ जाओ, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, टू फिनिश गुड्स कंट्रोल बोल के आएगा, हम लोग अगर उसको वहां ट्रांसफर करते हैं 80,000, तो ये हो जाएगा 86,000 और ये ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में 86,000, ठीक है। ये एक पॉइंट हम लोगों का हो सकता है अगर हम लोग उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखना चाहते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, देखो अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल लिख रहे हैं तो ये तो हम लोग का पक्का है, लिखना ही पड़ेगा, है ना, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ही एड होता है, तब जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉस्टिंग पीएल में बाकी चीजों को ट्रांसफर करेंगे, तो देखो यहाँ पर एक कॉस्टिंग पीएल आया तो बाई डब्ल्यू आई पी बोल के 5,000 आ जाएगा सेल्स के नीचे, ठीक है, बाई डब्ल्यू आई पी बोल के 5,000 आ गया। अच्छा और क्या है, और यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल का, अगर हम लोग ये वाला लिखते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखते हैं कॉस्टिंग पीएल बोल के तो इसमें भी आ जाएगा, अगर नहीं लिखते हैं तो नहीं आएगा, उसमें जो भी आंसर आएगा वो भी करेक्ट है, उसको गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। अच्छा और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये तीन मैंने लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये वाला बना है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, कॉस्टिंग पीएल में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा है, एक सेकेंड, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे। एक बार कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बनाएंगे ना, अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बना हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 4 बना लेते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, दैट इज 86,000, और इसको कहाँ क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करना पड़ेगा बाई कॉस्टिंग पीएल, ठीक है, बाई कॉस्टिंग पीएल में, और इसका वैल्यू हो जाएगा 86,000। अच्छा ये
अच्छा एक मिनट मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया इसको, एक मिनट रुको। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, यहाँ पर ना हम लोग 6,000, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इतना पे किया, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाएगा 6,000 बोल के इस तरह से, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखे है ना, तो ये टू फिनिश गुड्स कंट्रोल होगा। थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था और कुछ नहीं, लिखते लिखते मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। देखो ये यहाँ पर हो जाएगा टू फिनिश गुड्स कंट्रोल, फिनिश गुड्स ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला, यहाँ क्रॉस पोस्टिंग होगा तो ये 80,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6,000, ये 6,000, तो यहाँ पर 86,000। फिर से बता देते हैं, देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकट था 6,000, ये ट्रांसफर होता है क्लोज का होता है, इसका बैलेंस नहीं होता, इसका कॉस्टिंग भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होता है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये ट्रांसफर हुआ और फिनिश गुड्स से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं अगर, तो यहाँ पर 80,000 आ जाता है, कॉस्टिंग पीएल में 86,000 ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग वर्किंग नोट बनाओ या ना बनाओ, इसका इंपैक्ट तो तुम लोग को कॉस्टिंग पेल में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के 86,000, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 86,000। अब हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे, देखो यहाँ पर तो बैलेंस करके जो आएगा वो हम लोग का बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। तो 1 लाख प्लस ये हो गया 6,000, 1,06,000 माइनस 86,000, तो 1,06,000 माइनस 86,000, तो ये बनता है 20,000, ठीक है 20,000। अब इसको तुम लोग बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो या फिर नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ऑल्टरनेटली अगर इसे नेट प्रॉफिट भी लिखते हो तो भी करेक्ट होता है। अच्छा अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही लिखते तो फिर क्या करते, अगर हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही लिखते तब हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पर जो है ये बैलेंस जो है ना हम लोग का कितना आया है यहाँ पर, एक सेकेंड, नहीं बैलेंस क्या, इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता, ठीक है। वैसे समझ में नहीं आएगा, बेटर होगा कि तुम लोग इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कर लो, नहीं तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 86,000 किसी ना किसी तरीके से तो यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो फिर उसे कैसे लिखेंगे, फिर ये बनना जरूरी है। ये वर्किंग नोट बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर तुम लोग को 86,000 अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज ये देखो ये मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करके 86 लिख लिया, अगर नहीं लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं तो भी यहाँ पर हो जाएगा टू सीओजीएस, एक बार आ जाएगा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल के अलग से आ जाएगा। अगर हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को नहीं बनाते हैं इन दैट केस यहाँ पर क्या आ सकता है, इसके भी आपने 86,000 ऐसे नहीं लिख के, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टू फिनिश गुड्स कंट्रोल बोल के यहाँ पर आ जाएगा 80,000, और टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल बोल के यहाँ पर आ जाएगा 6,000। ऑल्टरनेटली मैंने ये देखो मैंने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट दे दिया ताकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, जैसे ट्रेडिंग पीएल में जाता है ना, क्लोज हो रहा है इससे, नहीं तो फिर ये वाला जैसे हम लोग अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी ये सब तो क्रॉस पोस्टिंग है, ठीक है। सेल्स वाला तो हम लोगों ने एंट्री किया, ये सब क्रॉस पोस्टिंग हो गया, 5,000 1,000 ये नॉर्मली WIP बोल के नहीं आता है, लेकिन वहां पर कॉस्टिंग पीएल में हम लोग का एबनॉर्मल गेन हुआ, ये कौन सा वाला है, ये नॉर्मली WIP तुम लोग को यहाँ नहीं दिखेगा, ये स्टॉक का एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। और ये जो है ये प्रोडक्शन ओवरहेड के केस में हम लोगों ने इसको कहाँ ट्रांसफर किया, जो ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन है उसमें हम लोगों ने इसको राइट ऑफ किया है, कहाँ पर, कॉस्टिंग पीएल में, ठीक है। ये वाला, ये कौन सा वाला है, ये हो गया हम लोगों का, ये देखो ये हम लोग का ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कॉस्टिंग पीएल में दिखा सकते हैं, तो इस तरह ये वाला क्लोज हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं था। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो है फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, हमें उसको फिलअप करना है, ठीक है। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेते हैं, फिर उसको फिलअप कर लेंगे। ए फायर डिस्ट्रॉयड सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया। यू हैव एबल टू कलेक्ट द फॉलोइंग
फ्रॉम द स्पॉइल्ड पेपर्स, तो कुछ पेपर्स बच गए थे उसमें से हम लोगों ने जो भी डिटेल्स मिला है वो नीचे लिखा हुआ है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द कंसल्टेशन विद अकाउंटिंग स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ जैन, और जैन मंथ में अकाउंटिंग स्टाफ से कंसल्टेशन करने के बाद और जो भी थोड़े बचे कुछ पेपर थे उसको देखने के बाद ये कुछ इनकम्प्लीट लेजर्स बनना है और इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है. अब हम लोग को क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द अबव ट्रांजेक्शन इन द पोस्ट लेजर ऑफ द कंपनी, हमें इसको कंप्लीट करके दिखाना है और कुछ नहीं, ठीक है. तो चलो सबसे पहला है हम लोग का मेट्रियल कंट्रोल अकाउंट, तो लिख लेते हैं मेट्रियल कंट्रोल अकाउंट. इलास्ट्रेशन 5 यहां पर लिखते हैं मेट्रियल कंट्रोल अकाउंट. मेट्रियल कंट्रोल अकाउंट में है टू बैलेंस बीडी 32,000. अच्छा, इसके बाद कौन सा है WIP कंट्रोल, इसका दो बैलेंस मिला है WIP कंट्रोल. इसमें क्या क्या बैलेंस मिला है, एक ओपनिंग और दूसरा कितना फिनिश गुड्स से, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ, ये ओपनिंग WIP है, ठीक है. और जब लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, जब लिखा हुआ है हम लोगों को फिनिश गुड्स कंट्रोल 1,51,000 बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल 1,51,000, इसका मतलब फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ है WIP से 1,51,000 का स्टॉक, ठीक है. पेबल, पेबल क्रेडिटर बनाया है. अब इसको देख के मुझे बताओ, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड. अगर क्रेडिटर अकाउंट बना हुआ है, अब मुझे बताओ ये इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है कि नॉन इंटीग्रेटेड. बोलो, क्रेडिटर अगर बना हुआ है तो ये इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड तभी ना क्रेडिटर आएगा, नहीं तो कैसे आएगा, पर्सनल अकाउंट कभी आएगा. बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है 16,400. ये लाइबिलिटी होता है तभी क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दिखेगा. टू बैलेंस सीडी 19,200, ठीक है. ये हो गया क्रेडिटर. अच्छा, क्रेडिटर के बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल 29,600. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, इसका कितना दे रखा है हम लोगों को 29,600. टू बैंक, फिर से ये टू बैंक देख के पता चलता है कि ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है. फिर से यहां पर इससे ध्यान देके हम लोग देखेंगे तो ये इंटीग्रेटेड है. अमाउंट स्पेंड. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल बन गया. इसके बाद फिनिश गुड्स कंट्रोल, इसका दो बैलेंस है फिनिश गुड्स कंट्रोल. एक ओपनिंग है, क्लोजिंग, मतलब पहले से इतना फिनिश गुड्स है और इस बार जो फिनिश गुड्स हम लोगों ने नहीं बेचा होगा वही तो बाई बैलेंस सीडी बोल के दिखेगा. बाई बैलेंस सीडी हम फिनिश गुड्स लिखते रहते बोलते हुए. बाई बैलेंस सीडी देखते हैं कितना दे रखा है, बाई बैलेंस सीडी 30,000. तो ये सब हम लोगों को डेटा मिल गया. अब नीचे बोला है द बैंक बुक शोड 89,200 हैव बीन पेड टू क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल. बैंक बुक से पता चला कि क्रेडिटर को हम लोगों ने पे कर दिया है 89,200 फॉर रॉ मटेरियल. तो फिर ये कैसा एंट्री होगा, क्रेडिटर का पेमेंट बोलो कौन करेगा, क्रेडिटर का पेमेंट का एंट्री क्या होगा. नॉर्मली ये तो फाइनेंस वाले करते हैं ना, ये कॉस्ट वाले थोड़ी ना करते हैं. खर्चा वर्चा पे करना ये सब तो फाइनेंस वाले करते हैं. नॉर्मल एंट्री बताओ क्रेडिटर को पेमेंट का एंट्री. क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश. तो क्रेडिटर में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट है हम लोग के पास, टू बैंक पेड लिख देते हैं. कितना है 89,200, ठीक है. अच्छा, अब आगे देखते हैं. ये लिख लिया,
पहला इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा। एंडिंग इन्वेंटरी ऑफ WIP मतलब WIP का क्लोजिंग दिख रहा है जो, वो इंक्लूड है मेटेरियल 5000, मतलब जो WIP बना है वो कैसे बनता है, कॉस्ट शीट सोचो, प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होता है, फिर ओपनिंग WIP हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और क्लोजिंग WIP को क्या करते हैं, लेस करते हैं, हमें वही बता रहा है, मतलब इसमें क्या इंक्लूडेड होगा, WIP कैसे बना होगा, सोच के देखो, एक सेमी फिनिश गुड्स में क्या क्या हो सकता है, मटेरियल इंक्लूडेड होगा, लेबर इंक्लूडेड होगा और ओवरहेड इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो यहां पर बता दिया है कि जो एंडिंग WIP है उसमें मटेरियल का 5000 है, ऑन व्हिच 3300 डायरेक्ट लेबर आवर्स है, बोल रहा है कि जो WIP बना हुआ है उस पे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या खर्चा किया है, हम लोगों ने 5000 रुपए का मटेरियल का खर्चा कर रखा है, 300 लेबर आवर्स का बता रखा है, पेमेंट मतलब रेट अभी हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में मिल जाएगा, बोल रहे हैं कि 300 डायरेक्ट लेबर आवर हैव बीन बुक्ड अगेंस्ट वेजेस, वेजेस पे किया है 300 डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे एंड ओवरहेड्स। तो WIP में क्या क्या इंक्लूडेड है बता दिया है, मेटेरियल इंक्लूडेड है, लेबर इंक्लूडेड है और ओवरहेड इंक्लूडेड है, और इससे हम लोग का क्लोजिंग WIP बना हुआ है, ये हमें क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें से मटेरियल 5000 हम लोगों ने कंफर्म पता है, लेकिन लेबर 300 आवर्स है, अब रेट पता चलेगा तो इंटू कर देंगे तो लेबर का खर्चा भी निकल के आ जाएगा, जिससे हमारा WIP का क्लोजिंग स्टॉक बना हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं, द जॉब कार्ड, जॉब कार्ड जब हम लोग देखें तब दिख रहा है, जॉब कार्ड मतलब जॉब कॉस्टिंग में होता है, जॉब कॉस्टिंग नॉर्मली क्या होता है, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से होता है, ठीक है। अब कस्टमर के डिमांड के हिसाब से होगा तो एक जॉब में एक ही प्रोडक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे अगर कोई मान लो कोई मॉल अगर ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कोई मॉल में तो एक आधा कपड़ा नहीं रहेगा, अगर हम लोग टेलर के पास जा रहे हैं एक दो तीन चार कुछ सिलवा सकते हैं, जैसे मान लो प्रिंटिंग प्रेस जो होता है वहां पर जाके बुक्स प्रिंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग मान लो प्रिंट कुछ करवाना चाहते तो एक दो पेज करवा सकते हैं, लेकिन मान लो जो पब्लिशर्स हैं वो तो बहुत सारे बुक प्रिंट करवा सकते हैं, तो वो ब्रॉडर फॉर्म ऑफ बैच कॉस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब जॉब कॉस्टिंग जब लार्जर फॉर्म में होता है तो वो भी बैच की तरह ही हो जाता है, लेकिन कस्टमर डिमांड पे होता है, ठीक है। तो जॉब कार्ड जो है वो शोड दैट वर्कर हैव वर्क्ड फॉर 7000 आवर, तो टोटल वर्कर जो है 7000 घंटा इन्होंने काम किया है, द वेजेस रेट इज 10 पर लेबर आवर, तो यहां पर बोलो लेबर का खर्चा कितना होगा, लेबर आवर तो मिल गया, सॉरी लेबर का रेट तो मिल गया 10, बोलो यहाँ पर लेबर का खर्चा कितना हुआ होगा WIP जो बना है, बोलो वेजेस रेट तो मिल गया 10 रुपए पर आवर, तो यहाँ पर लेबर का खर्चा कितना हुआ होगा, 300 आवर इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। और ये जो 7000 आवर्स है इसका भी बता देते क्या होगा, फिर बोल रहे हैं ओवरहेड, ओवरहेड रिकवरी रेट है 4 पर डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर पे 4 रुपए करके ओवरहेड रिकवरी रेट लगा है, तो ओवरहेड का खर्चा कैसे निकालोगे, बोलो ओवरहेड तो पड़ चुके हो, डायरेक्ट लेबर आवर पे निकालना है और रेट लगाना है 4 पर डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर कितना लगा है WIP में, बोलो ये सब तो कर चुके हैं ना हम लोग पहले, 300, यहाँ तो बता ही तो रखा है कि 300 जो है डायरेक्ट लेबर आवर इंक्लूडेड है और 4 रुपए करके है, इसमें क्या बड़ा बात है, 1200, ठीक है। तो हम लोग का क्लोजिंग WIP का टोटल वैल्यू कितना हो गया, 5000, 3000 और 1200 हुआ कि नहीं, 5000, 3000 और 1200, ये तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो ये तुम लोग कहाँ दिखाओगे, WIP के बाय साइड में, बाय क्लोजिंग WIP बोल के दिखाओगे, लेकिन ये इस तरह से तुम लोग को वैल्यू करके दिखाना पड़ेगा ये, लेकिन आंसर बोलना चाहिए था तुम लोगों को, देखो ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं WIP कंट्रोल में, यहाँ पर लिख देते हैं बाय बैलेंस CD, ठीक है। क्लोजिंग WIP किस चीज से बना हुआ है, मेटेरियल का 5000 क्वेश्चन बता रहा है, मेटेरियल का 5000, ठीक है। फिर वेजेस, वेजेस कितना है 3000, कैसे कैलकुलेट हुआ, 10 रुपीज करके 300 डायरेक्ट लेबर आवर, और ओवरहेड, ओवरहेड का कितना है 4, ओवरहेड रिकवरी रेट है 4 रुपीज करके और 300 डायरेक्ट लेबर आवर पे, तो 1200, तो टोटल कितना हो जाएगा 9200 हम लोगों का WIP का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ये बन रहा है 9200, जो हम लोगों को खुद से कैलकुलेट करना था, ठीक है।
अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो 7,000 hours करके दिखा रहा है worker have worked for 7,000 hours, तो ये कहाँ पर जाएगा? 7,000 hours 10 rupees करके, तो 7,000 into 10 ये कितना हो गया? 70,000, ये कहाँ पर जाना चाहिए मुझे ये बताओ, ये कहाँ पर जाएगा? ये तो डायरेक्ट वेजेस है, जॉब कार्ड में अगर दिख रहा है कि वर्कर है वर्क फॉर 7,000 hours तो डायरेक्ट होता है तो WIP में जाता है, डायरेक्ट लेबर आवर होता है तो WIP में जाता है ना, तो फिर कैसे, क्योंकि डायरेक्ट है तभी तो वेज रेट दे रखा है, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग WIP में, क्या लिखेंगे बोलो? 70,000 को कैसे पोस्ट करेंगे WIP में, डायरेक्ट लेबर को कैसे लिखते हैं? पहले लेबर का पेमेंट होता है, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, हां टू वेजेस कंट्रोल, 10 into 7,000 hours तो ये हो जाएगा 70,000। और यहां पर ओवरहेड का बोला है, ओवरहेड कहां पर जाता है, ओवरहेड कहां ट्रांसफर होता है? बोलो ओवरहेड कहां पर ट्रांसफर होगा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, हां ये देखो यहां पर हम लोगों ने अभी भी किया था ना, ये देखो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, बट हम लोग के पास तो वेजेस कंट्रोल नहीं है, तो इसको हम लोग कहां पर लिखेंगे फिर? मैन्युफैक्चरिंग में लिखते थे, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिखेंगे, किधर लिखना पड़ेगा? टू वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग में लिखना पड़ेगा टू वेजेस कंट्रोल, एक सेकेंड, ओवरहेड, अच्छा ये रिकवरी है, ठीक है ये रिकवरी है 4 per direct labor hour, 7,000 into 4 28,000, हाँ ठीक तो हो रहा है, 28,000 ही होगा मैम, रिकवरी माने, रिकवरी माने जेटा अप्लाइड करछी जतटा जतटा पेमेंट करछी तार अगेंस्ट, ये पेमेंट है ना, रिकवरी कर रहे तो क्या होगा, रिकवरी मतलब अप्लाइड, মানে যেটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে, হ্যাঁ অ্যাবজর্ব হচ্ছে, তো কেসে লিখेंगे বলো, অ্যাবজর্ব হো রহা হ্যায় তো কেসে লিখेंगे, हम लोगों ने इतना पे किया, पे करने से तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब जब इसको मतलब रिकवर्ड करवा रहे हैं, ठीक है मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये एक्चुअल पेमेंट है, अब जितना हम लोगों को क्या करना है, एब्सॉर्ब करवाना है, उसको कैसे लिखोगे? ये तो पेमेंट हो गया, अब इसका रिवर्स होगा, हाँ ये वाला वेजेस तो नहीं होगा ना, ये ओवरहेड है, वेजेस क्यों होगा, ये हम लोग थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, ये ओवरहेड है, तो ओवरहेड रिकवरी रेट, अब ओवरहेड क्या क्या हो सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो सकता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकता है, कुछ नहीं बोला है तो कौन सा होगा? ओवरहेड तो वेजेस वाला नहीं होगा ना, यहाँ पर क्या बोला है, ये हम लोग को देखो वेजेस वाला क्यों नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग को बोला है कि ओवरहेड को रिकवर कैसे किया है, हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे, मतलब लेबर टाइम ओरिएंटेड ज्यादा काम रहा होगा इस वजह से, ठीक है, और जो हम लोग वेजेस वाला देख रहे हैं ना, जो ये देखो पहला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, ये देखो हम बता देते हैं, जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा था, ये मेटेरियल कंट्रोल लिख दिया, यहाँ पर हो गया, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने क्रेडिटर बना लिया, WIP कंट्रोल बन गया, अब हम लोग को यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, ये हम लोगों का कैसा वेजेस था, ये हम लोग का WIP टू वेजेस कंट्रोल 70,000, ये हम लोगों ने क्या लिखा था कि लेबर 7,000 घंटा काम किया है, तो ये डायरेक्ट लेबर आवर था मैम, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल होगा, क्योंकि ये वेजेस वाला बात नहीं है, ठीक है, तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 into 7,000, मतलब ये इनडायरेक्ट वाला है और ये हम लोग का रिकवरी है, ठीक है इनडायरेक्ट वाला है रिकवरी है, तो हम लोग को इसको कैसे लिखना पड़ेगा WIP में, ये फिर हम लोग को दिखाना भी तो पड़ेगा इसको, इधर पहले कहाँ दिखा, यहाँ पर दिखा दे, पहले यहाँ पर दिखा देते, देखो तब सही होगा, WIP कंट्रोल टू मैन्युफैक्चरिंग है कि प्रोडक्शन है, क्या लिखा है मैंने, ठीक करते मैन्युफैक्चरिंग, WIP कंट्रोल टू, ये देखो पहले ऐसे दिखा देते, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल 4 into 7,000, ठीक है ये हो गया हम लोग का कितना 28,000, ये आता है ना WIP में, अब ये जो है ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा बाय WIP कंट्रोल 28,000,
4 into 7,000, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मुझे लगता है सारा चीज हम लोगों ने लिखी दिया, अब एक एक करके क्लोज करते हैं। देखो जब हमारा स्टॉक अकाउंट भी होता है और उसके साथ क्रेडिटर अकाउंट भी होता है, तो हम लोग उसको कहाँ पर लिखते हैं? स्टॉक और क्रेडिटर अकाउंट जब भी तुम लोग कभी बनाते हो, नॉर्मल अकाउंट्स का ही सोचो, तो हम लोग स्टॉक के साथ क्रेडिटर का लिंक करते हैं ना, कि क्रेडिटर से कितना स्टॉक खरीदा और उसको कितना पेमेंट किया, कितना अभी भी पेमेंट करना बाकी है। तो क्रेडिटर अकाउंट अगर देखोगे तो हम लोग को क्रेडिटर का ओपनिंग में ये पेबल था और भी इतना खरीद लिया और इतना पेबल दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग टोटल करते हैं, तुम लोग बताओ क्रेडिटर अकाउंट में बैलेंस को क्या लिखना चाहिए। 89,200 प्लस 90,200, तो ये बन गया 1,08,400, ठीक है। और यहाँ पर भी 1,08,400, अब बैलेंस तो माइनस करोगे तो निकल ही जाएगा, बैलेंस आ जाता है 92,000। अब इसको लिखना क्या है वो सोचो, क्रेडिटर का क्या होता है, क्रेडिटर का फर्स्ट एंट्री क्या होता है, क्रेडिट परचेज का एंट्री क्या होता है? मैम बाय परचेज। लेकिन यहाँ पर तो परचेज नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पर नॉर्मली परचेज टू क्रेडिटर होता है ये, हाँ बाय मेटेरियल लेजर कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर मेटेरियल लेजर कंट्रोल, अब ये ट्रांसफर हो जाएगा 92,000 टू क्रेडिटर, बोल के टू क्रेडिटर 92,000, ठीक है। अब हमारा मेटेरियल वाले में क्या रहता है, अगर हम लोगों ने कुछ इश्यू किया है वो दिखा देंगे, ठीक है, और कुछ बैलेंस बच गया है तो वो दिखा देंगे। अब मेटेरियल दो तरह का इश्यू हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है कि नहीं वो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेटेरियल इश्यूड है कि नहीं, तो यहाँ पर चेक करते हैं ये टोटल कितना हो जाता है। यहाँ पर हो गया हम लोगों का टोटल करते हैं 1,51,000 प्लस 9,200, ये हो गया 1,60,200। अच्छा माइनस कर देते हैं 9,200, 70,000 और 28,000, ये जो बैलेंस आ रहा है ये आ गया 53,000, ठीक है। 53,000, 1,60,200, अब ये कहाँ पर ट्रांसफर होगा? देखो WIP में क्या क्या आता है हम यहाँ पर भी दिखाते हैं, देखो तुम लोगों को WIP में क्या क्या आता है। हम लोगों का ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है, फिनिश गुड्स का ट्रांसफर दिखा सकते हैं जो कि यहाँ पर देखो अवेलेबल है। WIP में हम लोग का क्या क्या अवेलेबल है देखो, ओपनिंग क्लोजिंग ये कैलकुलेट कर लिया, दिया हुआ नहीं था, ओपनिंग क्लोजिंग ये कैलकुलेट कर लिया, और ये फिनिश गुड्स कंट्रोल हम लोगों को दिया हुआ था, जो हम लोग का लेजर था ना वहां पर 1,50,000 हम दिखाते हैं, 1,51,000 हम लोग का गिवन था, ये देखो WIP कंट्रोल में ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब WIP में क्या क्या ट्रांसफर होता है, सारे डायरेक्ट आइटम WIP के थ्रू से ही होते हैं, तो डायरेक्ट मेटेरियल होता है, डायरेक्ट वेजेस होता है, ठीक है, और ये वाला प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल का चार्ज यहाँ पर जो है हम लोग का चार्ज हुआ था, ठीक है। तो बाकी हम लोग का कॉस्टिंग बिल ये एक स्पेशल केस था, नॉर्मली ये इतना ही बनता है, ये स्पेशल केस था, 5,000 आ गया। तो हम लोग का मिसिंग क्या है, देखो मेटेरियल का मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेटेरियल तो जरूर इशू होगा, अगर डायरेक्ट मेटेरियल इशू हुआ ही नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है। तो ये जो बैलेंस आया ये हम लोग क्या लिखेंगे, मुझे एक चीज बताओ कि अगर डायरेक्ट मेटेरियल होगा नहीं इशू, यहाँ पर अगर हम लोग का बाई WIP नहीं आएगा तो फिर तो प्रोडक्शन होना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटेरियल इशू तो होना चाहिए तब जाके तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, ये 53,000 को क्या लिखेंगे? मैम टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, हाँ टू स्टोर या फिर मेटेरियल लेजर कंट्रोल, ये हमें बैलेंस करके मिलेगा 53,000, ये यहाँ पर ट्रांसफर, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। जैसे क्रेडिटर का अगर क्रेडिट परचेस है तो बाई परचेस तो होगा ही होगा ना, ये बाई परचेस हुआ नहीं क्रेडिट परचेस कैसे हो सकता है। उसी तरह से अगर मेटेरियल इशू ही नहीं होगा तो फिर कैसे प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो ये वाला बैलेंसिंग फिगर ये मत सोचो कि कैसे मेटेरियल लेजर ही आएगा, क्योंकि नॉर्मल बात है यहाँ पर इशू नहीं होगा तो प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता है। अब टोटल करके देख लेते हैं, यहाँ पर हो गया हम लोग का 1,24,000, यहाँ से 53,000 लेस हो जाएगा, तो ये हो गया 53,000, 1,24,000 माइनस 53,000, तो ये हो जाता है 71,000, ये हम लोग का बाय बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या एंट्री, ये भी क्लोज हो गया हम लोग का, ठीक है, ओपनिंग WIP था, क्लोजिंग WIP था। अच्छा अब यहाँ पर देखो वेजेस कंट्रोल, ये WIP जो है ये डायरेक्ट के लिए होता है, ये डायरेक्ट वेजेस हो गया,
ये हम लोग का डायरेक्ट मेटेरियल का हो गया जो बैलेंसिंग फिगर आया, ठीक है। ये प्रोडक्शन ओवरहेड का जो पोर्शन ट्रांसफर होता है, फिनिश गुड्स इतना बना, बाकी क्लोजिंग WIP रह गया, क्रेडिटर भी क्लोज हो गया, बचा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट और इधर शायद फिनिश गुड्स बचा हुआ है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल में क्या हो जाएगा हम लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है चेक करते हैं। ये हो गया हम लोगों का अमाउंट पे 29,600, यहाँ पर WIP, बाकी को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, 29,600 यहाँ पर हो गया 28,000, ठीक है। बैलेंस हाँ इधर ही आएगा, तो हम 28 क्यों लिख रहे हैं, मुझे तो लिखना चाहिए 29,600, ठीक है। अब डिफरेंस चेक करो, 29,600 माइनस 28,000, तो ये हो जाता है 1,600। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हम लोगों ने इतना खर्चा किया, ठीक है, और हम लोग का इतना एब्जॉर्ब हुआ, तो ये कैसा है, ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन है। हम लोगों ने इतना खर्चा पे कर दिया लेकिन हम लोग का हुआ इतना, अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन है तो ये कहाँ पर जाएगा, ये कॉस्टिंग पीएल में जा सकता है। ये देखो अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, अंडर एब्जॉर्प्शन कब होता है, एब्जॉर्ब ओवरहेड लेस देन एक्चुअल ओवरहेड, एब्जॉर्ब ओवरहेड 28,000, एक्चुअल ओवरहेड 29,600, ठीक है। तो जो डिफरेंस हुआ वो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ। अब अंडर एब्जॉर्प्शन कब हो सकता है, नॉर्मल रीजन भी हो सकता है, एबनॉर्मल रीजन भी हो सकता था, है ना। अगर जेन्युइन रीजन हो रहा है तो हम लोग सप्लीमेंट्री रेट निकाल के करते थे, और अगर हम लोग का कुछ एबनॉर्मल रीजन है तो वो डायरेक्टली हमारा कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, ठीक है। तो जेन्युइन रीजन होता है ना तो हमें फिर ये सारे इंफॉर्मेशन दे रखते हैं जिससे हम लोग सप्लीमेंट्री रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पर बोला है कि अंडर एब्जॉर्प्शन का अमाउंट अगर स्मॉल होता है, इमेटेरियल होता है, तो हम लोग पूरा उसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल बात तो है नहीं, अगर होता तो हमें यहाँ पर क्या दे देता, हम लोग को यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए डेटा दे देता। अब अगर इसको तुम लोग बाई बैलेंस सीडी लिखोगे तो भी करेक्ट होगा, इसको तुम लोग दो चीज कर सकते हो, या तो नॉर्मल ऐसे बाई बैलेंस सीडी लिख दो, मतलब कैरी फॉरवर्ड के तरह, ठीक है, ये भी चलेगा, या फिर तुम लोग इसको बाई कॉस्टिंग पीएल भी लिख देते हो तो भी चलेगा। और ये हुआ क्या है, ये एक्चुअली बैलेंस क्यों आया, ये हम लोग का हुआ है अंडर एब्जॉर्प्शन, ये समझने के लिए लिख दिया मैंने, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं हम लोग। ये मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल कंप्लीट हो गया, अब हम लोग फिनिश गुड्स वाले में देखते हैं। अच्छा, फिनिश गुड्स का हम लोग का यहाँ पर देखो, ये फिनिश गुड्स कंट्रोल 1,51,000 था, इसका हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे जो कि गिवन था हम लोग को क्वेश्चन में, तो 2 WIP, ठीक है, WIP फिनिश गुड्स में ट्रांसफर इतना हुआ है 1,51,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों के पास प्रीवियसली 24,000 का फिनिश गुड्स था और इस बार का 1,51,000 का क्लोजिंग स्टॉक हुआ है, 1,75,000 का टोटल हम लोगों के पास फिनिश गुड्स है इन स्टॉक अभी, लेकिन दिख रहा है 30,000 ही है, तो बाकी कहाँ गया होगा, बाकी इसका मतलब हम लोगों ने सेल कर दिया होगा, ठीक है। 1,45,000 इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे बताओ, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे फिनिश गुड्स को, मतलब फिनिश गुड्स जो सेल हो गया, और मैं बोलू कॉस्ट ऑफ सेल, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स में करेंगे, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है तो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हैं, अगर मान लो किसी कंपनी का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है तो यही वाला क्या हो जाएगा फिर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें करना। बस ये हो गया, छोटा सा ही था ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब हम लोग दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ रहे हैं जहां पर हम लोग रिकंसिलिएशन भी करेंगे। ये जो इलास्ट्रेशन 6 है यहाँ पर हम लोग रिकंसिलिएशन भी करेंगे। रिकंसिलिएशन क्या होता है ये मैंने स्टार्टिंग डे में भी तुम लोग को बताया था, क्योंकि हम लोग अगर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट करते हैं तो कॉस्ट वाले का रिकॉर्डिंग और फाइनेंस वाले का रिकॉर्डिंग में फर्क हो सकता है, मतलब अलग अलग रीजन होता है क्यों फर्क हो रहा है। उसके अलावा भी ऐसे कुछ आइटम है जो फाइनेंस वाले ही करते हैं, कॉस्ट वाले नहीं करते हैं, जैसे कि हो गया बैड डेट का एंट्री, या फिर मान लो कुछ हम लोगों का लीगल एक्सपेंसेस हो गया, या फिर कुछ फाइनेंशियल चार्जेस हो गया, तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट में फर्क दिखता है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बुक और अकॉर्डिंग टू फाइनेंस बुक, तो हम लोग को उसको रिकनसाइल करना पड़ेगा। देख लेते पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फाइनेंस बुक से ये रिकॉर्ड मिला है, सेल्स मेटेरियल वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड,
अच्छा अब यहाँ पर दिया है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट फिनिश गुड्स 1230 यूनिट्स का हमें वैल्यू बता दिया। WIP मेटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड से बना हुआ 70,000, गुडविल राइट ऑफ किया गया है 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन द कॉस्ट रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज। बोल रहा है कि कॉस्ट वाले ने फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिखाया है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 100% ऑफ वेजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिखाया 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट। प्रीपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ठीक है तो हम लोग को एक स्टेटमेंट बना के देना है जहां पर हम लोग प्रॉफिट को रिकंसाइल करेंगे, लेकिन पहले ये तो पता करना पड़ेगा कि कॉस्ट वालों का प्रॉफिट कितना आता है और फाइनेंस वालों का प्रॉफिट कितना आता है। फाइनेंस वालों का प्रॉफिट पता करने के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो कॉस्ट वाले हैं उनके लिए हम लोग बना सकते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है तो पहले ये दोनों चीजें मिसिंग है, पहले ये दोनों चीज हमें बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है तो पहले हम लोग बना लेते हैं फाइनेंस वाले का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है तो यहाँ पर ना हम लोग ट्रेडिंग पेल अलग नहीं बनाते, कॉस्टिंग में जब तुम लोग करोगे ट्रेडिंग पेल अलग नहीं बनाना है, लेकिन कभी अकाउंट्स में करते हो ना तो ट्रेडिंग पेल अलग बनाना जरूरी होता है। यहाँ पर बनाओगे तो ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हम डायरेक्ट बनाएंगे जहां पर ट्रेडिंग आइटम एज वेल एज पीएल आइटम सारा लिखेंगे। ठीक है ऑफ ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर 31st of March, अच्छा देखो इनका क्या है, इनका सेल्स है 25 लाख, तो सेल्स तो इधर रिकॉर्ड होता है बाई सेल्स 25 लाख, ये ट्रेडिंग एज वेल एज पीएल दोनों ही बनेगा। मेटेरियल 10 लाख, तो यहां पर लिख देते हैं टू मेटेरियल, मतलब टू परचेज बेसिकली इसको बोल सकते हो। टू मेटेरियल तो हम लोग लिखते नहीं है, टू ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग क्या लिखते हैं परचेज लिखते हैं, परचेज ही लिख देते हैं 10 लाख। ठीक है अच्छा अब ये सब हम लोग यहाँ पर ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साफ साफ बता दिया ये फाइनेंस रिकॉर्ड है। वेजेस आ जाएगा उसके बाद 5 लाख, टू वेजेस, यहाँ पर मेटेरियल लिख लेते हैं। वेजेस के बाद आ गया फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000, वैसे ये भी ट्रेडिंग में ही होता है, टू फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000। नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना हो तब फैक्ट्री ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग में लिखा जाता है, जब हमें एक ही अकाउंट बनाने के लिए बोला हो तो हम लोग उसको ट्रेडिंग में भी दिखा देते हैं। ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है 2,60,000, रिलेटेड टू प्रोडक्शन 2,60,000। अच्छा ये सारा चीज लिख लिया हम लोगों ने। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट 1,80,000, ये भी यहाँ पर लिखेंगे टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट 1,80,000। नॉर्मली ये जो दो आइटम लिखा ना ये दो आइटम पीएल का पार्ट होता है, अगर हम लोग ट्रेडिंग पीएल अलग अलग करके करते हैं तो। अच्छा फिनिश गुड्स बचा हुआ है 1,50,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है 1,50,000। और यहाँ पर WIP का भी फिनिश गुड्स है 70,000, WIP का है 70,000। मैंने अलग अलग जो है बाइफर्केशन और नहीं लिखा, चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी पीएल का आइटम है, टू गुडविल राइट ऑफ लिखेंगे, पीएल में हम लोग लिखते हैं ना गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल रिटर्न ऑफ लिख दिया मैंने 2 लाख। और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी ये फाइनेंशियल चार्ज हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है ये ट्रेडिंग पीएल का एक कॉम्बिनेशन बन गया, कंबाइन कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, नीचे कॉस्ट वालों का कुछ 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 चेंजेस हमें बता दिया कि उन्होंने किस तरह से ट्रीट किया। अब चेक करते हैं कि इनका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 25 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 70,000, तो ये वैल्यू हो जाता है 27,20,000, 27,20,000। ठीक है अब माइनस करते 10 लाख 5 लाख और ये हो गया 9,50,000। अच्छा माइनस 9,50,000,
माइनस 2,60,000 माइनस 1,80,000 और ये 2,20,000, 1,00,000 मेरा 1,11,000 आ रहा है, बट आंसर 1,10,000 है, कुछ गलत हो गया। 2,20,000 ये हो गया 3,80,000, 4,00,000, 4,56,6 और 4, 10,00,000, 10,00,000 और यहाँ पर हो गया 11,00,000, 11,00,000 और 5,00,000, 11,00,000 और 10,00,000, 21, 21 और 6, 26,00,000, तो 10,00,000, 5,00,000, 4,50,000, 4,50,000, 2,60,000, 1,80,000, 2,00,000, ১,১০,০০০ হচ্ছে। हाँ ठीक है, अब मेरा भी आया 1,10,000, मेरा इसके पहले 1,20,000 आ गया, 1,10,000, 27,20,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये फाइनेंस वाले के हिसाब से नेट प्रॉफिट। अब हम लोग कॉस्ट वाले के हिसाब से निकालेंगे और वो तो बनाते हैं कॉस्ट शीट, ठीक है, उनको प्रॉफिट कहाँ दिखता है, कॉस्ट शीट में दिखता है। अब हम लोग इसी डेटा से कॉस्ट शीट बनाएंगे, लेकिन कॉस्ट शीट का डेटा थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड वाले फैक्ट्री ओवरहेड कैसे चार्ज की ये सब बताया है, तो जिसमें चेंजेस है उसी में चेंजेस अप्लाई होगा, बाकी में नहीं होगा। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले लगता है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब देखो पूरे क्वेश्चन में ना हमें डायरेक्ट मटेरियल के चेंजेस के बारे में कुछ नहीं बोला है, ओवरहेड से कुछ कुछ चेंजेस बता रखा है। तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा जितना फाइनेंस वाले ने रिकॉर्ड किया है उतना ही कॉस्ट वालों ने भी रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब तो ये हो गया 10,00,000। अब ऐड हो जाएगा वेजेस, ठीक है, तो वेजेस कितना है 5,00,000, 5,00,000 ले लेंगे क्योंकि इसका भी हमें कोई चेंजेस नहीं बता रखा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कुछ नहीं है, तो 15,00,000 ये बन गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहाँ पर कुछ बोला था इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड, इन लोगों ने तो 4,50,000 चार्ज किया, इन लोगों ने कैसे चार्ज किया, इन लोगों ने चार्ज किया 100% ऑफ वेजेस, ठीक है, तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा 5,00,000 का 100% क्योंकि वेजेस तो 5,00,000 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया 5,00,000, ठीक है। अच्छा ये ऐड करने से मिल जाएगा यहाँ पर 20,00,000, ये हो गया। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग WIP और लेस कर देंगे क्लोजिंग WIP, ठीक है, अगर कुछ है तो ओपनिंग WIP देखते हैं, WIP का ओपनिंग तो कुछ था नहीं, ठीक है, क्लोजिंग जरूर है 70,000 और ये हमें बोला नहीं कि कुछ अलग किया है इन्होंने, तो सेम किया है, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ नहीं आया, 70,000 माइनस कर देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये हो जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो 2,00,000 से 70 माइनस करने से कितना हो जाएगा, 2,00,000 से 70,000 माइनस कर लो 1,00,000, 2,00,000 ना 20,00,000, 19,30,000। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्योंकि ये रिलेटेड टू फैक्ट्री भी लिखा हुआ था, ये देखो यहां पर बता रखा था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब हम लोग यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, बट इन्होंने थोड़ा सा अलग चार्ज किया, क्या किया, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट किया है, तो 10% ऑफ 19,30,000, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1,93,000, तो इसका 10%, 21,23,000, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इसमें ओपनिंग एडजस्ट कर लेते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस कर देते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, ओपनिंग तो कुछ नहीं था, क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमें बताया गया था, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 1,230 यूनिट, ठीक है, 1,230 यूनिट्स, इसका वैल्यूएशन हमें खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोगों का यहाँ
फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा अलग है, तो फिनिश गुड्स का ये तो लिख नहीं सकते कि ये वाला लिख देंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स तो इसमें से बना होगा। अगर ये रेट चेंजेस है तो ये भी चेंजेस होगा, और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल ये देखो, ये 21,23,000 कितना यूनिट प्रोडक्शन करके बना होगा, बता सकते हो कितना यूनिट प्रोडक्शन करके बना होगा? हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया कैसे निकाल सकते हैं? हम लोगों के पास कितना पहले से स्टॉक अवेलेबल था, जो कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, ठीक है? प्लस हम लोगों ने कितना क्या किया है, सेल किया है कितना यूनिट, ठीक है? और उससे अगर हम लोग माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो, सॉरी, हम लोग ओपनिंग स्टॉक और सेल्स जितना किया है, एक मिनट, हम क्या लिखे, हम लोगों ने सेल किया है 20,000 यूनिट, इसका मतलब ये प्रोडक्शन किया होगा जरूर, ठीक है? कैसे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड माइनस अगर क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सोचो, और जो फिनिश गुड्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, कितना स्टॉक हम लोगों ने सेल किया, ठीक है? तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, सिंपल सा बात है। तो हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं कि हम लोग उसे बेचे, ठीक है? ये माइनस, ठीक है, मतलब ये कुछ नहीं है, ब्लैंक, ठीक है, ये वाला पोर्शन हम लोग का ब्लैंक। प्रोड्यूस्ड हम लोगों ने कितना किया है, हम लोगों ने सेल किया है 20,000 यूनिट, ठीक है? प्रोड्यूस वही हम लोग को ढूंढना है, ठीक है? और इस क्वेश्चन में हम लोग के पास ये वाला पॉइंट है नहीं, ये अवेलेबल, मतलब ये जरूरी नहीं है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं था, क्लोजिंग बता दिया है 1230, ठीक है? तो इसका मतलब प्रोड्यूस कितना होगा, ये इधर ऐड हो जाएगा 20,000 प्लस 1230, तो ये हो गया 21,230, ये तो गया हमारा फॉर्मूला। लेकिन बेसिक सोच के देखो, हम लोग क्या सेल कर सकते हैं, हम लोग को ये पता करना है कितना प्रोडक्शन किया है, तो जो प्रोडक्शन किया वही बेच सकते हैं, तो हम लोगों ने 20,000 यूनिट बेचा है, तो ये कंफर्म्ड है कि 20,000 यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस ही किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, नहीं तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक भी बेच सकते हैं, क्योंकि कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, तो 20,000 का 20,000 ही फ्रेश प्रोडक्शन है, और अभी भी 1230 फिनिश गुड्स क्लोजिंग दिख रहा है, यानी टोटल प्रोडक्शन 20,000 प्लस 1230, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 21,23,000, ये कितने यूनिट बनाने पे खर्चा हुआ होगा, 21,230 यूनिट बनाने पे ये खर्चा हुआ होगा। अब हम लोग को इसी बेसिस पे 1230 यूनिट का कॉस्ट निकालना है, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 21,230 100 × 1230, ठीक है? तो 100 × 1230 मतलब कितना हो जाएगा, 1,23,000, ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने लेस कर दिया, 21,23, तो ये वैल्यू बच रहा है 20 लाख, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है? ये हम लोग का क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितना हम लोगों ने बेच दिए, ये लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये ऐड होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होता, बट वैसा कुछ है नहीं, तो ये ऐड होके कुछ आया नहीं, तो ये हम लोग का कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया हम लोगों का 20 लाख। अब इसमें क्या ऐड होगा, अगर कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देखते हैं क्या बोला था, कि इन्होंने किस तरह से अप्लाई किया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रेट 10 पर यूनिट सोल्ड, तो कितना होगा, यूनिट सोल्ड तो 20,000 है, कैसे पता चला, यहाँ स्टार्टिंग में ही दे रखा था, ये देखो 20,000 और 2 रुपीज पर यूनिट करके है, तो 20,000 इंटू कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू नहीं 10 रुपीज करके था, देख लेते एक बार, 10 था, ठीक है? तो इंटू 10, तो इससे हम लोग का बन जाता है 2 लाख, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया 22 लाख, ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है? कितना सेल हुआ है, 20,000 यूनिट। अब सेल वैल्यू भी बता दिया है हमें, ठीक है, सेल वैल्यू है 25 लाख, तो प्रॉफिट भी निकल के आएगा 3 लाख, ठीक है? तो सेल वैल्यू यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, यहाँ तो जगह नहीं बच रहा है, हम यहाँ पर कर देते हैं आगे, ठीक है? तुम लोग इसके नीचे लिख दो, हम यहाँ पर लिख देते हैं एड प्रॉफिट, यहाँ पर हो जाएगा सेल्स, ठीक है? सेल्स है 25 लाख और यहाँ पर आया हुआ है 22 लाख, ठीक है? तो 3 लाख हो जाएगा,
ये 3 लाख बैलेंस करके आ गया। अब देखते हैं रिकंसिलेशन करना पड़ेगा कि नहीं, करना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे जो खर्चे हैं वो दोनों ने अलग अलग रिकॉर्ड कर रखे। देखो प्रॉफिट से भी पता चल रहा है, इनका प्रॉफिट बताया जा रहा है 3 लाख, जबकि ये बता रहे 1,10,000। अब ये जो है हमें करना है रिकनसाइल, ठीक है, इस पॉइंट को हमें करना है रिकनसाइल। तो रिकनसिलेशन जैसे तुम लोग बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट करते हो उसी तरह से करना पड़ेगा। तो रिकनसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग दोनों तरह से कर सकते हैं। कैसे, लाइक हम लोग जैसे बैंक बुक हो या पासबुक हो, सॉरी पासबुक हो या कैश बुक, दोनों से ही स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है 3 लाख, या फिर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रिकनसाइल करने के लिए 1,10,000 भी हो सकता है। तो अगर 1,10,000 है तो हमें 3 लाख तक पहुंचना पड़ेगा, अगर 3 लाख है तो हमें 1,10,000 तक पहुंचना पड़ेगा। हमारे पास दोनों चीज अवेलेबल है, हम लोग कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉस्ट बुक की तरह ही करते हैं, कॉस्ट बुक को मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रख रहा है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है, हमें बोला नहीं है कि इस तरह से करो, अगर क्वेश्चन बता देगा तभी नेसेसरी होता है। स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, चाहे फाइनेंस ले लो चाहे कॉस्ट ले लो। यहाँ पर बोला है रिकनसाइल द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, अच्छा प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकनसाइलिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड विद प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अच्छा, तब हमें कॉस्ट रिकॉर्ड को ही स्टार्टिंग रखना पड़ेगा, हमें रिकनसाइल करना पड़ेगा एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड जैसा है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट रखना पड़ेगा। कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट है 3 लाख। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एड और लेस का कॉलम बना लेते हैं, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन में करते हैं ना, जस्ट उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया लेस, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक रफ वर्क बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रफ यहाँ पर एक बना लेते हैं, तुम लोग को बताते हैं देखो कैसे करके करना है। यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं फाइनेंस बुक भी लिखते हैं और कॉस्ट बुक भी लिखते हैं। हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट अगर कॉस्ट बुक है तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये ट्रिक है, ये हम बीआरएस में भी सिखाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तुम लोग को सारा इंपैक्ट फाइनेंस बुक की तरह देखना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक है, ठीक है। हम एक आधा करके दिखाते हैं, एक आधा पॉइंट तो तुम लोग समझ जाओगे। जैसे क्या क्या रिकनसाइल करना पड़ेगा जो मिसमैच है, पहले चेक करो मेटेरियल, यहाँ भी 10 लाख यहाँ भी 10 लाख, ठीक है, कोई मैचिंग में प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकली तुम लोग कभी करोगे ना कंपनी वगैरह में काम तो वैसे ही करना पड़ता है। वेजेस 5 लाख है, यहाँ भी 5 लाख है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड इनके हिसाब से 450 है, इनके हिसाब से जो है 5 लाख है। तो हमें कितना रिकनसाइल करना पड़ेगा, कितना डिफरेंस है वही रिकनसाइल करना पड़ेगा, बोलो कितना रिकनसाइल करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है 4,500, खर्चा चार्ज किया है इन्होंने 50,000, 50,000 का हमें डिफरेंस दिख रहा है। अब बोलो यहाँ पर देखो हमें नेट प्रॉफिट का इंपैक्ट सोचना पड़ेगा। फाइनेंस वाले ने कर रखा है 4,500 और इन्होंने कर रखा है 5 लाख, ठीक है। हम लोग को सारा इंपैक्ट सोचना पड़ेगा फाइनेंस के हिसाब से। तो मुझे बताओ 50,000 खर्चा ज्यादा दिखाने के वजह से, सॉरी कम दिखाने के वजह से हमारा प्रॉफिट फाइनेंस बुक में क्या हो गया है, कम या ज्यादा? कम हो गया। कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक से सोचो क्यों, क्योंकि अगर मैंने खर्चा कम दिखाया है, सोचो फिर से रिकंसिलिएशन कर रहे हैं ना, इन्होंने 5 लाख का खर्चा दिखाया है तो इनका प्रॉफिट जो है ये ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया ना, इन्होंने 5 लाख का खर्चा दिखाया है जबकि इन्होंने वही खर्चा 4,50,000 का दिखाया है। तो इनका प्रॉफिट जो है, इनका प्रॉफिट जो है वो 50,000 से क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से करेंगे, इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 50,000 को ऐड करेंगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने 50,000, ठीक है। पहले ये चेक करो डिफरेंस कितना है, फिर क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक है, बार बार कैश बुक बोलते रहे क्योंकि वहां भी सी भी लिखते हैं इसी वजह से। तो अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक है तो हमें फाइनेंस बुक का इंपैक्ट देखना है, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड होगा, तो ऐड में लिखना है तुम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड, इसको क्या बोलेंगे, ओवर एब्सॉर्ब 50,000। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि ये तो अंडर एब्सॉर्ब हुआ, ओवर एब्सॉर्ब क्यों लिखा है, क्योंकि जब लिखेंगे तब हमें क्या करना है, हम लोग रिकनसाइल किसको करें, कॉस्ट बुक को करें, तो हमें लिखना है किसके हिसाब से, कॉस्ट बुक के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब 50,000, कैसे आया, 5 लाख माइनस 4,50,000,
ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 70,000, इनका भी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 70,000, कोई चेंजेस नहीं है। फिर नेक्स्ट डेटा देखते हैं, ये तो टोटल क्या भाई, देखो हमें टोटल को कभी नहीं देखना है, हमें इंडिविजुअल पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो ऐसे एड नहीं हो रखा है ना, तो इंडिविजुअल पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे कि ये भी देखा। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1,93,000 इन्होंने अपना खर्चा बता रखा है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन्होंने कितना दिखा रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2,60,000 दिखा रखा है, तो इन्होंने ज्यादा दिखा रखा है। पहले बोला डिफरेंस कितना हो रहा है, 2,60,000 और 1,93,000 का पहले डिफरेंस सोच लो कितना होता है, 2,60,000 माइनस 67,000, ठीक है। अच्छा अब ये 67,000 को इम्पैक्ट देखो, जो है हम लोगों का फाइनेंस बुक में क्या आया होगा, तो इन्होंने खर्चा दिखा रखा है 1,93,000, इन्होंने खर्चा दिखा रखा है उसी चीज का 2,60,000 ज्यादा दिखाया है, तो प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा इनका, 2,60,000 दिखाने के वजह से प्रॉफिट 67,000 से क्या दिख रहा होगा, उन लोगों ने 1,93,000 दिखाया है, इन्होंने वही वाला खर्चा दिखा रखा है 2,60,000, तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, डिफरेंस है हम लोग का 67,000, तो इनका प्रॉफिट इस पे ही इम्पैक्ट देखना है तभी हम लोग कर पाएंगे, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना, बोलो कम दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 67,000 को, लेस करेंगे, हाँ यहाँ भी लेस करेंगे तभी तो हमारा कैश बुक जो है, सॉरी कॉस्ट बुक जो है वो सही हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब 2,60,000 और 1,93,000, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 67,000, ठीक है 67,000 का हम लोग का गैप दिख रहा है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग ये 1,23,000 है और इनका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 1,50,000, ठीक है, इनका 1,50,000 है और उनका है 1,23,000, तो पहले डिफरेंस बताओ कितना हो रहा है, फिर इम्पैक्ट देखेंगे, 1,50,000 माइनस 1,23,000, तो ये हो गया 27,000, ठीक है, डिफरेंस हो रहा है 27,000, अब इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 27,000। अब हमें ये देखना है कि फिनिश गुड्स का इम्पैक्ट क्या होता है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर मान लो जो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ मान लो 100 रुपीज है, ठीक है, टू परचेज बोल के मैंने यहाँ पर 100 रुपीज दिखा दिया, और यहाँ पर मान लो बाई सेल्स बोल के, ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने दिखा दिया 150, ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 50 दिख रहा है, तो ये 200 हो गया, तो यहाँ पर नेट जीपी जो है वो कितना दिखेगा, यहाँ पर जीपी 100 दिखेगा, ठीक है। अब मान लो हम लोग इसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक के अलावा बाकी सारे चीजों को कॉन्स्टेंट अगर रखते हैं, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक को मैंने यहाँ पर दिखा दिया, सपोज ये दिखा दिया मैंने 80, ठीक है 80 दिखा दिया, तो यहाँ पर 150 प्लस 80 तो ये कितना हो गया 230, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 230 माइनस 100 यानी 130, ठीक है 130, तो ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक 50 से 80 हो गया, मान लो कि ये सही है कि ये दिखाना चाहिए था, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर वैल्यू बढ़ जाता है तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, अगर बाय चांस गलती से हम लोग कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख देंगे तो हमारा प्रॉफिट गलत दिखेगा, गलत कैसे दिखेगा, कम प्रॉफिट दिखना भी गलत होता है, ज्यादा दिखना भी गलत होता है, ज्यादा दिखेगा, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक के साथ ये लिख लो तुम लोग, ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है, हमेशा रिवर्स होता है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा और ओपनिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अगर ये चीज समझ में आ रहा है कि जिसने भी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया होगा उसका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, इसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है 1,23,000 और इसने क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है 1,50,000, ठीक है, तो जो डिफरेंस आया उससे फाइनेंस बुक का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है, जो डिफरेंस आया उससे फाइनेंस बुक का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है 27,000, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 27,000 को ऐड करना पड़ेगा,
ठीक है, ज्यादा दिख रहा है तो ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग एज पर हो सकते हैं जो हमारा लिखा हुआ है कॉस्ट बुक का प्रॉफिट के साथ, ठीक है, तभी तो होगा ना। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एड में, डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया 27,000, ठीक है, 1,50,000। WIP का नहीं जाएगा, WIP तो सेम है दोनों, देखो अगर डिफरेंस होता तब जरूर जाता, यहाँ WIP 70, यहाँ भी WIP 70, अगर एक जैसा होगा तो रिकंसिलेशन नहीं होगा, नहीं तो WIP भी जाए, जो भी रिकनसाइल डिफरेंस होता है सारा जाए। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ये ऐड करके आ रहा है, हमें हमेशा इंडिविजुअल देखना है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने 2 लाख का खर्चा दिखाया है, ठीक है, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कितना दिखाया है, इन्होंने दिखाया है 1,80,000 का, तो 20,000 का डिफरेंस है। पहले डिफरेंस को नोट डाउन करते हैं, देखो डिफरेंस कितने का है, 20,000 का। अब सोचो फाइनेंस वाले ने ना कम दिखाया है, इन्होंने 1,80,000 दिखाया है, वही खर्चा इन्होंने 2 लाख दिखाया है, तो फाइनेंस वाले का इंपैक्ट सोचो, खर्चा 1,80,000 दिखाने के वजह से इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा है, ज्यादा ही या कम? इनका प्रॉफिट 20,000 से क्या दिख रहा होगा, खर्चा कम दिखाया है 1,80,000, तो फिर 20,000 से प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादा दिखने से अगर ज्यादा दिख रहा है तो ऐड, कम दिख रहा है तो लेस, वही करना है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट ओवर एब्सॉर्ब 2 लाख दिखा रखा है इन्होंने, जबकि 1,80,000 का हो रखा है खर्चा, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 20,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का एड वाला पॉइंट हो गया, और एड में मुझे नहीं लगता है और एड में कुछ है। अच्छा और क्या देखते हैं, और यहाँ पर क्या है, अच्छा हाँ ये देखो बाकी देखो, यहाँ पर हम लोगों ने मेटेरियल वेजेस फैक्ट्री ओवर हेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड ये सारा चीज चेक कर लिया, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP फिनिश गुड्स ये भी चेक कर लिया, सेल हमारा 25-25 लाख ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये गुडविल इन्होंने चार्ज कर रखा है जो कि वहां पर 0 है, इसका वैल्यू वहां पर 0 है क्योंकि चार्ज ही नहीं होता है, अब गुडविल का खर्चा दिखाया है बोल के प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट दिख रहा होगा, गुडविल दिखाया गया है तो प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, 2 लाख से बोलो प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, अगर मैंने गुडविल राइट ऑफ किया है तो मेरा PL डेबिट हुआ है तो मेरा PL कितने से कम दिख रहा होगा, 2 लाख से, तो कम दिख रहा है तो यहाँ पर डिफरेंस गुडविल का कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, ठीक है, 2 लाख को फिर क्या करेंगे, लेस या ऐड, बोलो प्रॉफिट कम दिख रहा है, कम दिख रहा है तो लेस करना यस। पड़ेगा, बस यही सोचना है, कम करना है, कम प्रॉफिट दिख रहा है तो लेस करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक रिकनसाइल होता जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं गुडविल, 1,10,000 आंसर क्या? हाँ 1,10,000 ही आएगा ना, तभी तो ये वाला रिकनसाइल हुआ। अच्छा ये कितना हो जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ 2 लाख, और यहाँ पर देखो इन्होंने फाइनेंस का एक चार्ज कर रखा था जो कॉस्ट वालों ने नहीं किया होगा, तो इनका प्रॉफिट जो है 20,000 से कम दिख रहा होगा, ठीक है, तो कम दिख रहा है तो लेस करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, 20,000 से कम दिख रहा होगा, ठीक है, अब कम दिख रहा है तो हमें लेस करना है, और इसको थोड़ा सा देखो, ये तो मैंने थोड़ा सा ट्रिक के साथ बताया, अगर तुम लोग लॉजिकली भी देखोगे तो कॉस्ट में तो ये खर्चा चार्ज नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए हमारा कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है ना, 3 लाख ज्यादा दिख रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 20,000 से लेस करना पड़ेगा, ये ऐसे सोच सकते हो, लेकिन इतने सारे में क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, सिंपल क्या करना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट प्रॉफिट पे चेक करना होता है, ठीक है, जैसे अगर फाइनेंस वालों ने गुडविल चार्ज किया है तो इनका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा तो हम लोग यहाँ पर कम कर देंगे, अगर इन्होंने
क्या बोलते हैं उसे, क्लोजिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कम चार्ज किया होगा तो इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो हम लोग ऐड कर देंगे। इस तरह से सोच के करना है तब हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं 50,000 प्लस 27,000 प्लस 20,000, तो इसका टोटल हो गया 97,000 प्लस आइटम, ठीक है, वहां 3 लाख है। और नेगेटिव आइटम में आ जाता है 67,000 प्लस 2,20,000, 2,87,000, ठीक है, 2,87,000 ये नेगेटिव है, और इसमें हम लोग का 3 लाख लेस हो जाएगा और 97,000। जिस वजह से डिफरेंस दिख रहा था वो हम लोगों ने सही कर दिया। या इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको नीचे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, ठीक है, फाइनेंशियल बुक। तो रिकंसिलिएशन हम तो इस तरह से करवाते, बाकी तुम लोग अगर चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अगर किसी और तरीके से बीआरएस सीख रखा है तो उसका यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। बाकी चीज देखो सेम है, हम लोग को क्या करना है, 3 लाख से 1,10,000 में पहुंचना है, क्योंकि एक एक पर्सन बोल रहा है, मतलब कॉस्ट वाला बोल रहा है कि मेरा 3 लाख का प्रॉफिट है, ये बोल रहा है 1,10,000। क्यों डिफरेंसेस दिख रहा है, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड दोनों ने अलग अलग चार्ज किया है, स्टॉक वैल्यूएशन अलग किया है, क्लोजिंग वाला सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अलग, गुडविल अलग, इंटरेस्ट अलग। ये दोनों पॉइंट से काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये खर्चा जो है, ये खर्चा तो कॉस्ट वाला करता ही नहीं है, तो फिर इसने चार्ज नहीं किया है, तभी तो इसका 3 लाख दिख रहा है, ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये लेस करवाओ 3 लाख से। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन को भी लेस करवाओ 3 लाख से, ठीक है, ये सब की वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन्होंने 2,60,000 चार्ज किया था और कॉस्ट वालों ने 1,93,000, तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, तो लेस करवाओ 67,000 से। तो ये होता है लॉजिकली, लेकिन लॉजिकली करते करते अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम ये वाला सिखाते हैं, इससे करोगे तो ऑटोमेटिकली वो बनता जाएगा। तुम लोग को जहां से स्टार्ट करना है उसके ऑपोजिट बुक के हिसाब से क्या सोचना है, प्रॉफिट इसके वजह से जो भी डिफरेंस है उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया कि घट गया। जैसे फाइनेंस वाले ने 4,50,000 का फैक्ट्री ओवरहेड दिखाया था, ठीक है, जबकि जो कॉस्ट वाले हैं उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड दिखा रखा था, यहाँ पर जो है फैक्ट्री ओवरहेड दिखा रखा था इन्होंने 5 लाख, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस्ट जो फाइनेंस वाले हैं उनका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा क्योंकि उन्होंने कम खर्चा दिखाया, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो प्लस, प्रॉफिट कम दिख रहा है तो माइनस। इस तरह से करोगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, बाकी लॉजिकली भी कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जैसे कर सकते हो वैसे करो, ठीक है, मैंने दोनों तरह से ही समझा दिया। तो ये रिकंसिलिएशन हो गया, तो ये कितना नया चीज सीखा आज हम लोगों ने। अब यहाँ पर बचा हुआ है, अब बाकी जो है ना वो एक ही जैसा है, इलास्ट्रेशन 7 जो भी क्वेश्चन है ये अब तुम लोग कर सकते हो, और एक क्लास लगेगा हम लोग का, हो जाएगा, और एक या दो में भी लग सकता है अगर हम पूरा करवाए तो, ठीक है। पूरा तो करवाएंगे लेकिन पूरा करवाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, देखते हैं कितना सारा करवा सकते हैं। अगर सिमिलर टाइप है ना तो उसका हम आंसर तुम लोगों के साथ शेयर कर देंगे, या फिर कर, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में, इसीलिए बोल रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है, बाकी देखते हैं कितना हो जाता है, हो जाए तो अच्छा ही है, हम चाहेंगे कि क्लास में ही पूरा करवाते, बाकी तुम लोग थोड़ा सा होमवर्क करके देख सकते हो, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।